नमस्कार सर जी। चलिए आज का उपाय का बनता है। कराते जोशी भी आप कराते हो? गुड हाँ जी, जो कराते हैं कुछ गुड, भी बढ़िया बाकी बात नहीं है है, सर। सभी करवा नहीं, रहे बहुत हैं। अच्छा समझा रहे हो आप केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया समझा रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हाँ जी, बढ़िया लगता है सर हमें तो। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये ज्योतिष आज में फिर आप सारी कराओगे क्या, जब ये क्लास लगेगी इसकी, कि बेसिक होएगा इसमें ज्योतिष में? आज तो देखिए उपाय वाला है। ठीक है, आज का जो क्लास है ना, ये उपाय वाला है, ओनली उपाय। आज का तो उपाय वाला, वैसे क्लास ज्योतिष लगेगी में, तो हाँ मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष में मेरा दो है, एक नक्षत्र का है और दूसरा है जेमिनी। जेमिनी ज्योतिष, जेमिनी ज्योतिष का टेक्निक अलग होता है। ओके ठीक ओके, है। मुझे पता सर, मैंने वैसे सब भी किया हुआ है, नक्षत्र और जैमिनी में करूंगी, आप मुझे जरूर प्लीज हाँ बिल्कुल, नंबर आप मैसेज। एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए, एकेडमी में पता चल जाएगा, शेड्यूल बता देंगे हाँ कब जी उसका सर, क्लास शुरू होगा। मैसेज आते हाँ रहते हैं सारे हाँ उन्हीं जी के साथ। हाँ जी, ओके ओके सर, राइट, थैंक ठीक है। यू। डिटेल में हाँ करवाते हो आप जी, नक्षत्र डिटेल में करवाते हो प्रॉपर? हाँ हाँ जी, हाँ जी, 27 के 27 नक्षत्र, मतलब सीरियल वाइज करवाते हो? विद, हाँ विद उसका जो चार पद होते हैं उसके ऊपर। ओके, तो सर उसका डेमो होगा अभी, मतलब बाद में? हाँ, जब उसका शेड्यूल स्टार्ट होगा ना, उसमें स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो उसका भी शेड्यूल होगा। तो वो तब तो एकेडमी अच्छा से आप रहेगा। बात कर लेना, एकेडमी वाले बता देंगे उनको सारा सारा डिटेल ओके ठीक कब नेक्स्ट है, क्लास हाँ होगी। नक्षत्रा का 27 कराएंगे ना, नक्षत्रा सारे 28 जो अभिजात, अभिजात को लेकर। 20, हाँ 8। ओके चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। आज वैसे वेबिनार है, फ्री क्लास है सबके लिए, तो हम आज फ्री क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे मनी, पैसा। ठीक है, पैसे को लेकर। देखो पैसे को ना, सबसे पहले हमें पैसे को समझना पड़ेगा, फिर उपाय काम करेगा। उपाय एक ऐसी चीज है ना जो आपके साइकोलॉजी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, आप साइकोलॉजिकली जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव, विश्वास रखोगे उस चीज पे, वो उतना तेजी से काम करेगा। ठीक है, देखो अगर देखा जाए ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के ही उपाय ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, मेरी दशा खराब चल रही है, 7.5 अढ़ैया। ठीक है, फिर इसकी दृष्टि उसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसका उपाय अलग रहता है। और एक उपाय होता है इन जनरल उपाय, कोई भी कर सकता है, किसी के पास वो अनुमति होती है कि कोई भी वो कर सकता है। उसके लिए स्पेशल कोई तिथि, नक्षत्र, कुंडली ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी में से एक पड़ता है अपना मनी रिलेटेड। ठीक है, यहाँ मैं वास्तु और जनरल जो हमारे पास घर की जो सामग्री होती है उससे जो टोटका वगैरह करते हैं वो भी रहेगा, वही ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर किसी के अप्रोच में रहने वाली चीज है। अब मैं बिल्कुल बोल दूं कि भाई सोने का श्रीयंत्र बना लेना, तो सबके बस का तो है नहीं सोने का श्रीयंत्र बनाना, है ना। तो ऐसी चीजें ही बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल है और आराम से आप लोग कर सकते हैं, बस उसमें दो तीन बातों का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, कुछ तिथि और नक्षत्र। उसका रीजन मैं समझा देता हूँ आपको, क्यों तिथि नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों में से यहाँ कितने लोग साइंस के स्टूडेंट है, या मेटाफिजिक्स या ब्रह्मांडीय एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा बहुत देखते भी हैं, नॉलेज भी है, कोई है सर जो लोग साइंस एस्ट्रोलॉजी साइंस आपकी के, है? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या होता है ना, तिथि नक्षत्र का देखने का उद्देश्य ये होता है कि पर्टिकुलर जो टाइम जोन आता है उस टाइम पे ब्रह्मांड ऊपर का जो पोर्टल है ना वो खुला रहता है, इस काइंड ऑफ अ दरवाजा, जो एक डोर है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन है, और आपको विश मांगना है वो विश तुरंत जाएगा और रिसीव भी होगा। ठीक है, इसीलिए पर्टिकुलर डेट एंड टाइम को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि पर्टिकुलर किसी उपाय करने के लिए पर्टिकुलर नक्षत्र तिथि को देखना, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में जब वो कर्म करते हैं तो उस कर्म का आपको सही सही फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं
मनी के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन रिलेशन को समझना, ह्यूमन इमोशंस को समझना, क्यों मनी जरूरी है और मनी का फ्लो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके उपाय भी उस तरह से काम करेंगे। ठीक है, देखो एक बहुत जनरल और नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ना एंड रिजल्ट मनी पे देखते हैं। क्या देखते हैं? एंड रिजल्ट मनी पे। जैसे कोई यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है, नहीं यार सैलरी होगी, 1 या 2 तारीख को सैलरी आनी है, तो हमारा एंड रिजल्ट कहाँ रहता है? सैलरी आनी है ना। हर चीज घूम फिर के बात जो है ना पैसे पे ही अटकती है, सबका ये कॉमन फ्रेज है, हर बात घूम फिर के पैसे पे ही अटकती है। इसलिए अटकती है क्योंकि हमने पैसों को एंड बना रखा है, मतलब कि वही अल्टीमेट है, जबकि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का वो आउटकम है, ठीक है, वो नहीं है जो आप जिस टारगेट से मेहनत कर रहे हैं। सपोज आपने एक घर बनाना है, ठीक है, आपको एक 3 BHK या 4 BHK का घर चाहिए, आप 2 BHK में रहते हैं, ठीक है, और आप ना पैसे जुगाड़ करने पे लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे 3 BHK कहाँ सस्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप पैसों पे फोकस कर रहे हैं, यार मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे लूंगा। अगर आप पैसों पे फोकस करने की जगह पे सीधा सीधा ये फोकस करें कि मुझे 3 BHK लेना है, अच्छी जगह पे लेना है, ढूंढना चालू करें, पैसे कहीं ना कहीं लोन आपके पास आ जाए, कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ हो जाएगा, बस आपका थॉट प्रोसेस पैसे पे ना अटक के जिस चीज को आपको लेना है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो मनी अपने आप आएगा। अगर आप उस पे फोकस ना करके मनी पे फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने लाइफ, अपने जो गोल से, टारगेट से, ठीक है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अब उसको बुलाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसका कनेक्शन आपके रूट चक्रा से होता है, डायरेक्टली रूट चक्रा। रूट चक्रा अगर बिगड़ा रहता है, गड़बड़ रहता है, कहीं उसको वहां पे ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, स्पेशली जिन लोगों को प्रोस्टेट, मेल्स को प्रोस्टेट रिलेटेड इशू है या कोई भी सेक्सुअल डिसफंक्शन है, वो रूट चक्रा को इंटीग्रेट करता है, वहां गड़बड़ है तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सेम फीमेल्स में भी यही प्रॉब्लम आती है, और जिन लोगों को बबा सिर का इशू रहता है वो भी रूट चक्रा को खराब करता है, ठीक है। इनडाइजेशन का ये रूट चक्रा एंड मणिपुर, ये 2 चक्रा को गड़बड़ करता है, ठीक है। अब जो है इसको ठीक करने के लिए, इसका फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका, वैसे तो हम रेकी का भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे उपाय जिससे मनी के फ्लो को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है पैसे का कनेक्शन पानी के साथ बहुत ज्यादा है, वाटर फ्लो, ठीक है। आपके घर में वास्तु में वाटर फ्लो जितना अच्छा रहेगा, पानी का कंजम्पशन जितने सही तरीके से रहेगा, पैसा आपके पास उतना ही सही तरीके से रुकेगा। अगर आपके घर में कहीं भी टैप नल का खुला हुआ है या टपक रहा हो, ठीक है, या छत में सिहलन आ रही हो, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है आपके लाइफ से मनी के जाने का। पैसा निकलने का बहुत ही जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक मिनट, हाँ, रामजी देसाई जी जरा म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो छटकारे लगा रहे हैं भाई साहब यहां तक आ रही आवाज ठीक है। तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज भी इसके यूज करते हैं,
और कहीं ना कहीं आज के डेट में हम वो बहुत सारी चीजें भूल गए। अब देखिए रामजी देसाई जी सर के घर में वो क्रिस्टल वाला पेड़ लगा हुआ है ऊपर, मोर का पंख लगा हुआ ऊपर, ठीक है, बहुत सुंदर है ये इतना सुंदर पॉजिटिव वाइब्स देता है कि फ्लो अपने आप बन जाता है, मनी का फ्लो अपने आप बन जाता है। आपकी अंतर चेतना जब तक ये स्थिर नहीं होगी, मनी आपके पास रुकेगा नहीं, फ्लो उसमें नहीं आएगा। ये सबसे पहले मनी को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आपको शांत होना पड़ता है अंदर से, आपकी ऊर्जा बहुत स्थिर होनी चाहिए, बहुत स्थिर। उसके बाद अगर आप कोई मनी रिलेटेड उपाय करेंगे तो उसका इफेक्ट 100% मिलेगा, ठीक है। तो पुराने समय में कौड़ियों से चीजों को खरीदा जाता था, कौड़ी, छोटे छोटे कौड़ी आते। कौड़ी का एक बहुत सुंदर उपाय है कि अभी जैसे दिवाली आने वाली है 3 महीने के बाद, तो दिवाली वाले दिन अगर आप लोग लिखिए, अगर लिख नहीं सकते हैं तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है। अगर आप लोग एडमिशन कोर्स को करने के लिए एडमिशन लेते हैं तो ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, अगर लिख सकते हैं तो लिख ले। आपको करना यह है कि 11 कौड़ियां लेनी है, 11 कौड़ियां, ठीक है, उसमें रॉली डाल देना है एक जगह पर, एक पीले कपड़े में 11 कौड़ियां रखिए, थोड़ा सा उसमें रॉली डाल दें, थोड़ा सा चावल डालें, सफेद चावल, बिल्कुल जो फाइनेस्ट चावल होते हैं, चावल डालें, ठीक है। उसमें अगर हो सके तो चांदी की ईंट बनानी है, इतने छोटे छोटे में 1 इंच बाई 1 इंच का ईंट ठोस चांदी की बनानी है। अगर चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, चांदी का एक सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश बना रहता है वो भी चलेगा, अगर वो भी नहीं आता है तो वो ऑप्शनल में भी रख सकते हैं, अगर आप चांदी नहीं खरीदना चाहते ऐड करना तो वो ऑप्शन में। चांदी रहने से थोड़ा फास्ट होता है मनी मैनिफेस्टेशन, थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो पीले कपड़े में कौड़ी, 11 कौड़ियां, रौली, चावल और चांदी, इन तीनों को एक साथ बांध कर जहां पर दिवाली की पूजा हो रही है, यानी लक्ष्मी गणेश की जहां पर पूजा आप कर रहे हैं, ठीक जहां पे कलश होता है, कलश के ठीक सामने उसको रखना है। कलश स्थापन होने के बाद जहां पर पूजा की जाती है उसके ठीक उसके सामने रखना है। रखने के बाद पूजन, अच्छे से पूजा करके कौड़ियों को, ये दिमाग के अंदर आप इमेजिन कीजिए, जो कौड़ी वाला पोटला आपने बनाया है वो लक्ष्मी जी का पोटला है, उनका वो पर्सनल पोटला है जो कभी खाली नहीं होता, ठीक है। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बन जाना चाहिए। दिवाली की रात भर वो पूजा स्थली में ही रहेगा, रात हो जाने के बाद अगले दिन जब हम सारे सामग्री को विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं, उससे ठीक पहले उस पोटले को लेकर आप अपने घर के तिजोरी में रखें, ऑफिस के गल्ले में रखें या ऑफिस के तिजोरी में रखें, कहीं भी रखें, ठीक है। ऐसा करने से अगर स्पेशली ये दिवाली और होली या किसी भी सर्वार्थ सिद्ध तिथि, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, अक्षय तृतीया, ये 4 ऐसे तिथियां हैं जो सर्वार्थ सिद्ध है, होली, दिवाली, अक्षय तृतीया और दशहरा, चारों तिथि में किसी एक तिथि में भी आप करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत सुंदर और बहुत फास्ट काम करने वाला है। इसमें आप जब भी कोई भी आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई है, कोई इमरजेंसी आ गया है या कुछ, आपको अपना घर बनाना, इमीडिएटली घर खरीदना, कुछ भी ऐसा इमीडिएट, बहुत जल्दी आपको पैसा आपकी ओर आकर्षित होता है। वैसे तो नॉर्मल रेगुलर फ्लो में रहेगा, लेकिन आपको स्पेशल किसी चीज में बहुत इमरजेंसी में चाहिए तो उसमें भी कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ होता है, आ जाता है आपके पास पैसा, ठीक है। और 1 साल के बाद जैसे सेम वही तिथि जब आएगी तो सिर्फ आपको इतना करना है कि वापस उस पोटले को खोलकर
उसमें जो कौड़ी है उसको निकाल के धो के जो चावल है उसको विसर्जित करना है, क्योंकि चावल एक साल तक रहेगा नहीं, उस चावल को फेंक देना है या विसर्जन करना है, जल प्रवाहित कर देना। और कौड़ी चांदी दोनों को वापस सेम प्रोसेस से पूरी फिर से पूजा करना है, चावल डाल के रौली डालकर, और उसको यूज करना है। अगर आप चाहे तो कौड़ी को बदल भी सकते हैं, अगर कौड़ियां नहीं बदलना चाहते कोई बात नहीं, और चांदी भी बदल सकते हैं, क्योंकि चांदी को सुनार के पास ले जाकर उसको बदल के, या फिर उसको वापस मेल्ट करके दोबारा बनवा के उसी चीज को भी वैसा कर सकते हैं, ताकि वो हर बार नया होता जाए, नया होता जाए। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सिर्फ चावल और रौली के लिए, रौली को धो ले, मतलब जो आपके कौड़ी रहेंगे उनको गंगा जल से अच्छे से धोकर और चावल बदल के नया फ्रेश रखें, उसमें भी चलेगा। अच्छा, व्यापार में आर्थिक लाभ के लिए किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार को, किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार को, सर ये अपना हिंदी महीना या इंग्लिश महीना? एनी इंग्लिश महीना भी, इंग्लिश महीना ही चलेगा, क्योंकि शुक्रवार में फिर हिंदी महीना के साथ मैच नहीं करेगा वो। शुक्रवार आपको अगर अंग्रेजी महीना ही, अगर जिसमें आप ज्यादा काम करते हैं उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, उपाय करते वक्त कंफ्यूज हो जाएंगे तो उपाय धरा का धरा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा। उपाय के लिए आपका मेंटल इंटेंट, मानसिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक रूप से जितने ज्यादा प्रभावित रूप से करेंगे उतना वो फास्ट मैनिफेस्ट होता है। और गलती से अगर ये सोचा पता नहीं यार होगा भी या नहीं, बस खत्म कहानी, वो उपाय जीरो है, उपाय काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको करना है ये, किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार को आपको 6 गोमती चक्र लेना है, 6 गोमती चक्र। छह गुलाब के फूल, लाल गुलाब के फूल जो बिल्कुल लाल होते हैं, छह सौ ग्राम कोई भी सफेद मिठाई, जैसे काजू कतली हो गया या कलाकंद हो गया, कुछ भी, कोई भी सफेद होना चाहिए, व्हाइट। 600 ग्राम सफेद मिठाई, या 6 पीस, अगर पीसेस में लेना है तो 6 पीस सफेद मिठाई। दो पैकेट गुलाब की अगरबत्ती या धूप, अगरबत्ती की जगह अगर धूप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा, गुलाब का धूप आता है। और 2 शीशी चंदन के इत्र, चंदन सैंडल, सैंडलवुड का इत्र आता है, या आप अगर इत्र नहीं मिलता है आप सैंडल ऑयल भी यूज कर सकते हैं उसमें। आपको करना यह है, किसी भी मंदिर में जहां पर लक्ष्मी गौरी शंकर सपरिवार हो, ठीक है, गौरी शंकर सपरिवार हो, अगर वो नहीं होते हैं तो लक्ष्मी नारायण हो, मतलब जोड़ा, युगल युगल वाला रहना चाहिए, ठीक है, जोड़े भगवान रहने चाहिए ऐसे मंदिर पे, और नित्य पूजा हो ऐसे मंदिर पे। आपको जाना है सबसे पहले वहां पर गुलाब के, गुलाब का जो 6 फूल लिया था उसमें से आपको सबसे पहले एक पुष्प जो है आपको भगवान को अर्पित करना है, ठीक है, भगवान शिव को अर्पित करना है। एक एक करके वहां पर अगर जैसे
आपको लक्ष्मी नारायण मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण एक एक करके दो गुलाब वहां देने हैं। अगर शिव पार्वती और गणेश जी का फैमिली वाला जो एक आता है अलग मूर्ति होती है, फैमिली वाला सिस्टम है, तो वहां पर फैमिली वाला सिस्टम की तरह आप जो है दो या तीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चढ़ाने के बाद आप जो सामग्री लेके गए थे वो सामग्री भगवान के सामने ही रख दे। जैसे जो चंदन का इत्र था, धूप था, वो सारी चीजें भगवान के सामने ही पड़ी होनी चाहिए, जिसमें से आधा, जैसे अगर आप गुलाब के धूप का जो पैकेट लेके गए हैं उसमें जितना भी धूप है उसका हाफ वहां रख के आना है, जला के आना है, और हाफ वापस लेके आना। सेम जो इत्र की शीशी थी दो, एक वहां भगवान को अर्पित करना है और दूसरा लेके आ जाना है। जब आप पूजा कर रहे हो, भगवान को जब पुष्प चढ़ा रहे हो, इत्र अर्पित कर रहे हो, उस समय पे अपना जो भी मनी पैसे से रिलेटेड समस्या है, या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या ग्रोथ लाना चाहते हैं, वो इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो करने के बाद जो आधी सामग्री है उसको आपको अपने घर लेके आना है। इंक्लूडिंग फूल, जो आप गुलाब के फूल ले गए थे और जो मिठाई ले गए थे भगवान को अर्पित करने के लिए, सब आधा आधा वहां देना है, बाकी का लेके वापस आना। आपको करना यह है कि एक लाल कलर के कपड़े में, 1.25 मीटर का कपड़ा लीजिएगा, उसमें गुलाब रखिए, चंदन का इत्र रखिए, अगर हो सके तो चंदन का इत्र थोड़ा सा उस कपड़े में गिराकर वापस ढक्कन बंद करके उस पोटले में रख के, और जो धूप आपके पास बचा हुआ था उस धूप का इस्तेमाल या तो अपने घर में या तो अपनी दुकान पे, शॉप पे, जहां पे आपका गल्ला है वहां पे करना है। ठीक है, ये अगर हर 3 महीने में करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समय मिलता है तो 6 महीने में एक बार जरूर करें, क्योंकि जो गल्ला, जो सामग्री आप लेके आएंगे इंक्लूडिंग धूप और वो रहेगा, वो लगभग 1 महीना 1.5 महीना आराम से चल जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपकी सामग्री खत्म हो गई है यूज करके, तो दोबारा से ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग जितना ज्यादा रेगुलर रोटेशन वाइज होता रहेगा, फ्लो भी उस वैसा ही बनता रहे। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा आडंबर नहीं है, बड़ा सरल तरीके से आपको ये उपाय करना है। तो मिठाई के 3 पीस का क्या करना है? 3 पीस का वो प्रसाद के हिसाब से खाना है आपको, उसको तो आप 1 महीने रख नहीं सकते उसमें तो रखना है। हाँ, अपने नहीं, वो अपने घर के सारे सदस्यों को दे देना है। गोमती चक्र को लेके आना है, मैंने जो पोटला बताया था ना अभी, जो लाल कपड़े का 1.25 मीटर का जो लाल कपड़ा बताया था, उसमें गोमती चक्र, जो 6 गोमती चक्र ले गए थे, 3 वहां रख दिया है, 3 वापस लेके आ गए, और सबको एक 1.25 मीटर कपड़े में बांध के पोटली बना लेनी। तो 3 चक्र 3 गुलाब के फूल हो गए, बस यही दो। और इत्र का जो शीशी था 2 लेके गए थे, 1 वापस लाया, चंदन का इत्र वो भी। थैंक यू। व्यवसाय में वृद्धि के लिए, ये तो था आर्थिक लाभ के लिए, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़े उसके लिए। अब व्यवसाय में तरक्की या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, व्यवसायिक वृद्धि के लिए, चांदी का अगर पॉसिबल है तो गोल्ड का ला सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो चांदी का या फिर ब्रास का, कांसे का श्रीयंत्र लेकर आना है, खरीद के लेके आना है।
यंत्र खरीदने का जो दिन होना चाहिए वो गुरुवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं लाना, खरीदना नहीं चाहिए श्रीयंत्र। शुक्ल पक्ष में गुरुवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन आप एक छोटा सा श्रीयंत्र लेके आइए। अगर आपको चांदी का मिलता है ठीक है, अगर सोने का मिलता है तो और भी अच्छा, नहीं मिलता है तो एक ब्रास का आता है, कांसे का, वो भी ला सकते हैं, या स्फटिक का श्रीयंत्र लाइए। और साथ में एक कमल गट्टे की माला जिसमें 108 दाने रहेंगे, कमल गट्टे की माला। ठीक है, करना यह है कि आपको सबसे पहले जहां पर आपका पूजा स्थान है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, या शॉप में, गल्ले में, कहीं पर भी हो, पूजा स्थान है, वहां पर आपको करना है सबसे पहले पूजा स्थान की बहुत अच्छे से सफाई कीजिए, साफ एकदम क्लीन क्लीन करके नया कपड़ा उसमें बिछाइए। उसके बाद भगवान की मूर्ति या स्टैचू जो भी आपका है उसको अच्छे से प्रॉपर से रखिए, और श्रीयंत्र को बीचों बीच रखना है। सबसे पहले चावल बिछाने हैं, चावल का एक लेयर रहेगा, उसके ऊपर कमल गट्टे की जो माला है उसका एक सर्कल बना के, ऐसा लगे कि वो बेड है, बिस्तर की तरह एकदम सर्कल बना के रखना है, और उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, सबसे नीचे जो कपड़ा रहेगा वो, उसके ऊपर चावल का एक लेयर, उसके ऊपर कमल गट्टे की माला को अच्छे से बिछाना जिससे श्रीयंत्र अच्छे से स्थापित हो, और ऊपर श्रीयंत्र को रखना है, और नित्य दिन इसकी पूजा करें। छोटा श्रीयंत्र लाएंगे तो भी चलेगा, नित्य दिन इसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा में साधारण तरीके से आप धूप दिखा सकते हैं, छोटा सा दिया है तो दिया भी रख सकते हैं, और उसके साथ मैंने एक एडिशनल एक और चीज ऐड की है जो उसमें नहीं है, मेरे इस वाले किताब में नहीं है, ऐड किया हुआ है। एक बॉक्स आता है जिसमें एक ही मंत्र बार बार रिपीट होता है, हम लोग मंत्र बॉक्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मंत्र कई बार आते हैं। तो अगर आप लोगों को, आप लोगों की जानकारी में कोई ऐसा है जो ये बॉक्स बनाते हो, उनसे बोलकर एक लक्ष्मी कवच, लक्ष्मी का महालक्ष्मी कवच मंत्र का जो है एक वो ला सकते हैं, ऑटोमेटेड बॉक्स जिसमें हमेशा वो 2400 घंटे बसता रहेगा। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो जब तक आप रहें तो कोई एक ऐसा पुराना फोन ले लें, उसमें लक्ष्मी कवच को डाउनलोड करके रिपीट मोड पे छोड़ दें, वो बसता रहेगा, जितना कंटिन्यू बजेगा उतना अच्छा इसका आपको इफेक्ट दिखेगा। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो दिन में कम से कम शुरुआत में ही जब दुकान या गल्ला या ऑफिस पहुंचते तो वो उसको बजा दे, जब धूप बत्ती दिखा रहे हो तभी वो लक्ष्मी कवच वाला मंत्र बजा दे साथ में। ठीक है, ये भी व्यापार व्यापार में वृद्धि करने का बहुत अच्छा उपाय है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, व्यापार में सेल ज्यादा हो, जो आप सामान लाते हैं बेचने के लिए या सर्विसेज जो भी बेचते हैं आप, उसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और सेल बढ़े, क्योंकि हर कस्टमर तो सामान नहीं खरीदता, कुछ इंक्वायरी करने आते हैं, पूछताछ करके चले जाते हैं। ऐसा हो कि जितने फुटफॉल शॉप में हो, जितने फुटफॉल आपके काम में आए, उतने के उतने फुटफॉल कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 92-95% कन्वर्ट होने ही चाहिए। उसके लिए एक उपाय है, आपको दो कर सकते हैं उपाय। इसका एक उपाय यह है कि एक कम से कम 6 इंच बाय 6 इंच का साइज का आता है फोटो, या आप थोड़ा बड़ा पोस्टर लगाएं तो और भी अच्छा है। जैसे जो आपका मेन डोर है, दरवाजा जो है ऑफिस का हो, बिल्कुल जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी वैलिड है, उनके लिए तो जबरदस्त वैलिड है। मैं बताता हूँ कहाँ पे वैलिड है, डेस्कटॉप पे वो वाला इमेज रख लो, ऑनलाइन से काम हो रहा है तो माता लक्ष्मी को आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के
स्क्रीन सेवर में या जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसमें डायरेक्टली वो इमेज रख लो, एक ऐसा इमेज जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, दोनों पैर में आलती पालती मारकर बैठी है और कमल के पुष्प में बैठी है, उनके दोनों हाथों से, एक हाथ से धन की वर्षा यहाँ से निकल रही है और दूसरे हाथ में घड़े से धन गिर रहा है, और पीछे से दो हाथी जो है वो अलग दो घड़ा लेकर जल वर्षा, जल की वर्षा कर रहे हैं। ये एक इमेज है, आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। अगर शॉप बहुत बड़ी है, दरवाजा आपका मेन डोर बड़ा है, तो एंट्री एंट्री करके ही जो पहला एक ऐसी जगह पे उस इमेज को लगाइए कि माँ लक्ष्मी वहां बैठी हुई है, माँ लक्ष्मी उस शॉप में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गाड़ के बैठी है, वो जाने वाले नहीं है, ऐसा कि दरवाजा खुलते ही सबसे पहले उस माँ लक्ष्मी के ही दर्शन हो। ठीक है, या एक आता है, एक यंत्र आता है जो अष्टलक्ष्मी यंत्र होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ट कलर की माँ लक्ष्मियाँ होती हैं, उसको लाइए, दिवाली वाले दिन लाइए उसको, दिवाली वाले दिन जब दिवाली की पूजा हो रही है उस यंत्र को भी रख के उसका भी पूजन करवाइए, और उसको अपने गले में जहाँ पे गल्ला है आपका या मंदिर है आपका वहाँ पर परमानेंट लगाइए और हर दिन उसमें धूप दिखाइए, धूप दिया रेगुलर जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि एंट्री होते ही दरवाजा जैसे ही खुलता है और माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो एक तो आपका बिजनेस बढ़ता है, साथ में जो कस्टमर आता है वो संतुष्ट होके जाता है, वो आपके सर्विसेज से पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता है। ठीक है, और जो मैंने अभी कहा कि फुटफॉल, जितने फुटफॉल होंगे 90-95% तक कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी बनाता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाएगा और फिर दोबारा भी आएगा दोबारा काम लेने के लिए। इसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, रैपिड ग्रोथ मतलब जल्दी बढ़ाना है, एक्सपो मतलब जैसे ना एक्सपेंशन जल्दी जल्दी हो, उसमें एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, वो नारियल का एक उपाय, छोटा सा उपाय है, उसमें बहुत इंडिकेशन ये होता है, आपको वो दिखेगा। आपको करना ये है, तीन आंखों वाला नारियल जो होता है, जो नॉर्मल नारियल आपको बाजार में मार्केट में मिलता है, वो एक नारियल लाना है और नारियल का जो बाल होता है ना, जिस ओर तीन आंख है उस ओर ही सिर्फ बाल को साफ करना है, बाकी वाला पीछे वाला जो हिस्सा जिसमें बाल होते हैं वो रहना चाहिए। ठीक है, आपको एक छोटा सा कलश लेना है और कलश का जो मुहाना होगा उसमें नारियल अच्छे से अंदर की ओर बैठ जाए, फिक्स हो जाए, हिले ना ज्यादा। ठीक है, तो कलश में आपको पानी भरना है, नारियल का जो तीन आंखों वाला जो हिस्सा है वो पानी में हल्का सा डूबा हुआ रहना चाहिए। रखने के बाद ऊपर से एक लाल कपड़े को बांध कर उसमें जो कलावा या मौली होता है उसको आप एक दो लपेटा डालकर उसमें एक गींठ लगा दें। सर रिपीट कर दो प्लीज। एक नारियल तीन आंखों वाला, हाँ जी, उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि उसके साइज के बराबर एक कलश मिट्टी का लेना है, उसमें नारियल को आंखों को अंदर की ओर पानी में डुबा के रखना, यानी कलश में पानी भर के रखो और नारियल जो है उसकी जो तीन आंखें वो पानी में टच होनी चाहिए और उसको लाल कपड़े से लपेटना है। लाल कपड़े से लपेटने के बाद कपड़ा तो ऐसा रुका नहीं जाएगा ना, उसको बांधना पड़ेगा, उसको मौली से या कलावे से उसको बांध दो, एक गांठ या दो गांठ लगा के, दो राउंड लगाया एक गांठ लगा दिया। ठीक है, और बस इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा पानी ना, जैसे कि दिन में या एक या दो दिन के अंतर ही अंतर जो हिस्सा नारियल का ऊपर था जहां पर उसके बाल लगे हुए थे
वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे मिल जाए उसको, ताकि वहां से एक अंकुर निकल के आएगा नारियल का पौधा। करीब हफ्ता डेढ़ दो हफ्ते के बाद एक पौधा निकल के आएगा। वो पौधा अगर उसका जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख गया तो बस समझो कि आपकी बरकत चालू। ठीक है, ये बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा जब होता, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पहले के 5 महीने बहुत सावधानी पूर्वक रहने के लिए बोला जाता है ना, तो ठीक इसी तरह इसमें भी ये अंकुर निकलने में सावधानी रखना है। वो एक बार निकल गया तो फिर वो वृक्ष बनेगा 100%। तो आपको करना यह है, आपको उस कलश और नारियल को तो रोज धूप बत्ती, जैसे नॉर्मल हम बाकी देवताओं की पूजा करते हैं उसकी भी पूजा करेंगे। ठीक है, धूप बत्ती रेगुलर दिखाएंगे उसमें। जिस दिन अंकुर निकल के आएगा, पौधा निकल गया, करीब करीब वो 1 फुट या उससे थोड़ा सा कम, आधा फुट भी थोड़ा बाहर आ गया, तो आपको करना यह है कि वो नारियल लेना है कलश समेत। नारियल को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जो, जहां पर वो वृक्ष बन जाए, जैसे पार्क वगैरह में लगवा दिया, सोसाइटी का पार्क है वहां लगवा दिया, और उसको बड़े होने तक एक छोटा सा प्रोटेक्शन दे सको तो और भी अच्छा। तो वो पौधा जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, ठीक है, नारियल को श्रीफल भी बोलते हैं, तो पौधा जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी खुद की तरक्की होगी, आपके बिजनेस की तरक्की होगी। ये वाला काम साउथ इंडियंस बहुत करते हैं, बहुत, इसलिए साउथ इंडियंस इतने तरक्की करते हैं। जैसे ही वो उसको डाल दिया, उसमें से वृक्ष पेड़ बनना चालू हो गया, फिर से नया लगाते हैं कलश में डाल के, सेम उसकी पूजा करते हैं। एक तरह से आप समझ लो कि हम जो है पैसों के लिए बीज लगा रहे हैं और वो पैसों का पेड़ निकल रहा है और उसे और बड़ा कर रहे हैं हम नर्चर करके। केरल में नारियल के पेड़ को काटते नहीं है, उसको जड़ समेत ना शिफ्ट कर देते हैं। अगर जैसे सड़क बन रही हो, रोड बन रहा हो, बिल्डिंग बन रहा हो, तो वो लोग काटते नहीं है नारियल के पेड़ को, जड़ समेत जितना बड़ा उनका एरिया है, पेड़ का जितना बड़ा एरिया जड़ वाला रहेगा, वो समेत वहां से हटा के कहीं और उसको शिफ्ट करते हैं। इतना मानते हैं नारियल के पेड़ को बहुत ज्यादा। श्रीफल यहाँ कहीं लगा सकते हैं या कॉमन जगह ही लगाना है? एक्चुअली आप ऐसे जगह पे लगाइए ना, आप घर में लगाएंगे तो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा ज्यादा। सर फार्म हाउस है हमारा, तो उस पे लगा देंगे? बिल्कुल जी, अरे फार्म हाउस में बहुत जगह है, जगह ही जगह है, कितने लगाने लगाओ। हाँ, और 4 फार्म हाउस बन जाए। ठीक अच्छा, जिनके दुकानों में ना लोग सिर्फ इंक्वायरी करने आते हैं, सिर्फ इंक्वायरी करते हैं और चले जाते हैं, जिनकी दुकानों में लोग आते हैं सिर्फ पूछते हैं ये कितने का, ये कितने का, नहीं यार आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, चले जाते हैं। ठीक है, उनके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। आपको करना यह है कि 12 गोमती चक्र लेकर एक लाल कपड़े में रख के बांधना है, और ये काम आपको गुरुवार वाले दिन करना है, गुरुवार वाले दिन। ठीक है, और याद रखना, अगर शुक्ल पक्ष हो तो अच्छा, अगर गुरुवार के दिन पूर्णिमा आ जाए या गुरु पुष्य योग बन जाए। ठीक है, गुरु पुष्य योग मतलब शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर करता हो तो सबसे बेस्ट तिथि। अगर वो नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 12 गोमती चक्र लाइए, एक लाल कपड़े में बांधिए, और एग्जैक्टली जहां पर आपकी शॉप है, दुकान है, जहां ये चीज हो रहा है, उसके दरवाजे के ठीक ऊपर उसको बांध दीजिए, ताकि ग्राहक जो है उसके नीचे से जाए। 12 गोमती चक्र को कपड़े में बांधकर बांध दीजिए, ताकि ग्राहक उसके नीचे से जाए, और एक बार जब अंदर जाए तो कुछ लेके ही बाहर आए, अपने पैसे खर्च करके ही बाहर आए, वह खाली हाथ सिर्फ इंक्वायरी करके बाहर ना आए।
ठीक है। सर जो आपने महालक्ष्मी के फोटो वाला उपाय बताया, तो हम लोग ऑकल्ट में हैं, तो क्या ऑकल्ट में सरस्वती जी की जगह लक्ष्मी जी के फोटो लगाइए ना, लक्ष्मी जी की फोटो आपको, अगर अगर हम लोग जैसे ऑकल्ट में है तो लक्ष्मी जी की फोटो कहाँ पर होनी चाहिए, ये सबसे क्लियर होना जरूरी है। दो जगह पर है, एक साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, ठीक है, लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, और एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। यस, ये दो जगह पर लगाएं, ठीक है। हम अकल्ट वालों के लिए ज्यादा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ही ज्यादा सही बैठता है, क्योंकि वो आकर्षण का जगह है। और जो लोग बिजनेस बड़ा डील करते हैं, स्पेशली जो लोग होलसेल में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके लिए लक्ष्मी जी की फोटो अगर अग्नि कोण में रखा जाए तो बहुत अच्छा है, उनका रेगुलर फ्लो बना रहेगा, मनी रोटेशन रेगुलर रहेगा। एक और चीज, जितने भी मैंने यहाँ पर व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि और लाभ प्राप्त करने के लिए उपाय बताए हैं, इसके लिए सबसे पहली चीज जो है, आपके घर में या कस्टमर जिसके जिसको भी आप उपाय दे रहे हैं, उससे दो चीज क्लियर कर लें कि घर में किसी भी तरह से उत्तर की दिशा में और दक्षिण पूर्व की दिशा में टॉयलेट, बाथरूम या उसका उस जगह का कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये हाफ काम करेगा, 50% उपाय काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं, काम करेगा, पैसा आएगा लेकिन निकल जाएगा, दिखेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा उनको बोलिए उत्तर की दिशा और दक्षिण पूर्व की दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व में तो खैर अग्नि स्थापित होना ही चाहिए, अगर वहां पर कोई भी एंटी एलिमेंट है या किचन बाथरूम टॉयलेट बना रखा है तो उसको इमीडिएटली वहां से रिमूव करें या वहां पे बैलेंस करें, जो जो हम वास्तु में उपाय करते हैं वो करके उसको ठीक करें। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों के, मतलब जिन लोगों की शॉप है या इसमें भी काम करते हैं या जो लोग ऑनलाइन भी अपने घर में भी काम करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा सा पेड़ है, पौधा है कह लीजिए, पेड़ तो नहीं कहेंगे, पौधा ही कहेंगे, एलोवेरा, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं दवाइयों को, दवाइयों मतलब मेडिसिनल यूज़ करने के लिए, कोई भी बहुत सारे उसका लाभ होता है। लेकिन अगर आप शॉप में है तो आप अगर शॉप के दरवाजे के दोनों साइड में टब में एलोवेरा लगाते हैं और उसको प्रॉपर सींचते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि जब तक वो एलोवेरा ग्रीन रहेगा, फ्रेश रहेगा, फ्लो बना रहेगा, लक्ष्मी का आगमन रेगुलर रहेगा। अगर कभी भी आपको दिख रहा है कि उस गमले में एलोवेरा का जो पौधा है वो पीला पड़ रहा है, सूख रहा है, या चिड़ियां आके उसको काट काट के या फिर डंक मार के उसको, सॉरी, अपनी चोंच मार के उसको खराब कर रही है, तो इमीडिएट वहां पे ठीक करना है, बदलना है, फ्रेश लेके आना है। अगर एलोवेरा सूख रहा हो, इसका मतलब आपके ऊपर कोई धन की हानि या शारीरिक या मानसिक रूप से आप परेशान होने वाले हैं, इसलिए वो सूखता हुआ जाता है, पौधा अपनी ओर लेता है, एलोवेरा का ये गुण है। सर दो पौधे लगाने, एक लगाना है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड दोनों ही लगाना है। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर पौधा सूख रहा है तो इमीडिएटली उसको चेंज कीजिए। देसाई सर आप कहां से हैं, मुंबई से हैं क्या? मुंबई से हैं आप? अहमदाबाद? हाँ अहमदाबाद सर। अच्छा, आपके पीछे जो है ये कौन है? ये मेरे गुरु जी है, प्राणी किलिंग का, मैं प्राणी किलर हूँ, मेरे प्राणी किलिंग के गुरु है, ये तिरुपति में है, इनको देखा हुआ है, इनका नाम मैं मुझे याद नहीं आ रहा, कैलाश जी, श्री कैलाश जी, हाँ श्री तिरुपति में इनका आश्रम है, बहुत बहुत पहुंचे हुए, बहुत
बहुत अच्छा देते हैं, मतलब जानता हूँ मैं इनके बारे में, बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे भी एक है, वो भी प्राणिक हीलिंग और लाइट हीलिंग करते हैं, मुंबई से हैं, उन्हीं से इनका नाम सुना था मैंने। हाँ शायद उनके गुरु बम्बई में भी बहुत से गुरु भाई हैं हमारे। हाँ हाँ प्राणिक हीलिंग वाले। अच्छा, स्वास्तिक, स्वास्तिक से किस तरह से आप लाभ उठाएंगे, ठीक है, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड काम चल करते हो, बिजनेस रिलेटेड काम करते हो इन द सेंस कि आपकी अपनी दुकान हो या ऑफिस हो, ठीक है, तो जिस दिशा में आपका डोर है, दरवाजा, नॉर्मली हर हिंदू के घर में आपको स्वास्तिक दिख जाएगा, दरवाजे के साइड में स्वास्तिक और शुभ लाभ, या ऊपर में स्वास्तिक दिखता हुआ रहेगा। लेकिन हमें ये ठीक करना है कि उस स्वास्तिक का सही इस्तेमाल कैसे हो, और जब भी आप लोग अपने दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बनाएं तो कोशिश ये करें कि वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा साइज में बड़ा दिखना चाहिए। कई लोग छोटा सा बना देते हैं, बस हो गया, नहीं, उसको जब भी बनाए ना, रौली हल्दी और ये सब डाल के, तो बड़ा बनाइए जो कि विजिबल हो, आंख में दिखे साफ, ठीक है। अगर आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा से लेकर पूरब से लेकर दक्षिण तक हो, तो आपको रेड कलर का स्वास्तिक बनाना है, दक्षिण तक रहे, चारों दिशाओं का मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ, पूरा स्पेसिफिक 16 दिशाओं का नहीं बताऊंगा, सिर्फ चार दिशा का ही मैं बता देता हूँ, स्पेशली जो कोण में पड़ते हैं क्योंकि मुख्य द्वार अगर सही सही दिशा में, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, तब तो वो फैंटास्टिक है घर, कोई इशू नहीं। लेकिन कहीं भी कई बार मैक्सिमम आज के केसेस में क्या है कि फ्लैट वगैरह में कुछ भी सही नहीं रहता, वो किधर किधर रहता है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, डिग्री के लिए बहुत मूव होता है वो। तो अगर कभी भी मुख्य द्वार पूर्व दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक के बीच में रहे, तो आपको रेड कलर का स्वास्तिक ड्रॉ करना है, बनाना है। कई लोग टाइल का पीस लाते हैं वो लगा देते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ स्वास्तिक ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है, अपने हाथ से बनाया हुआ स्वास्तिक ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसके बाद अगर किसी का मुख्य द्वार दक्षिण से लेकर पश्चिम के बीच में है, दक्षिण से लेकर पश्चिम के बीच में है, तो गोल्डन कलर का स्वास्तिक बनाइए, या ब्रास का स्वास्तिक आता है, जैसे इससे पहले जो मैंने बताया कि पूरब से लेकर दक्षिण के बीच में वहां पर कॉपर का स्वास्तिक भी आप लगा सकते हैं, बड़ा होना चाहिए। अगर आप मेटल यूज कर रहे हैं तो मेटल का साइज कम से कम 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगर दक्षिण से लेकर पश्चिम के बीच में है तो कांसे का, ब्रास का या गोल्डन कलर का स्वास्तिक आप लगा सकते हैं, हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इवन पश्चिम से लेकर उत्तर तक की दिशा में भी हम लोग ब्रास का ही स्वास्तिक यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे, एक्चुअली गोल्डन कलर ही होना चाहिए, पश्चिम से उत्तर तक, सिर्फ उत्तर से लेकर पूर्व तक का जो एरिया आता है वहां पर थोड़ा मेटालिक चलेगा, मेटालिक मतलब स्टील टाइप, स्टील जैसा, स्टील का भी स्वास्तिक बना हुआ आता है। देखो स्वास्तिक का फंक्शन क्या है, स्वास्तिक का फंक्शन यह है कि अगर आप स्वास्तिक को रख के बहुत तेजी से स्पिन करेंगे तो वो पेंटागॉन बनाता है, पेंटागॉन शेप। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी गोल चीज पे आप
ऊपर स्वास्तिक लगाइए, या फैन के, फैन का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर स्वास्तिक लगाइए और फैन को घुमाइए। फैन जब ऑन करेंगे तो घूमेगा, और वो स्वास्तिक जब बहुत तेजी से घूमता है तो एक पेंटागॉन का शेप बनता है, छह साइड छह भुजाओं वाला पेंटागॉन। ठीक है, पेंटागॉन का मतलब होता है सुरक्षा और बैलेंस, प्रोटेक्शन एंड बैलेंस। तो कभी भी वास्तु दोष दिख रहा है मुख्य द्वार में स्पेशली, तो वहां पर स्वास्तिक को स्थापित कीजिए। आपका वास्तु दोष मतलब पर्टिकुलर उस जोन से रिलेटेड वास्तु दोष बैलेंस, ठीक है, वहां उस द्वार की वजह से जो जी नुकसान हो रहा था वो अगले 15 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में धीरे 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 हट हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, स्वास्थ्य कितना प्रभावशाली है। जो लोग, जिन लोगों का मशीनरी का काम है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बिना फैक्ट्री और बड़े मशीन से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो हमेशा अपने मशीन का जो मेन स्विच होता है बटन, वहां पर स्वास्तिक बनाए, और वो भी रेड कलर का। वहां पर दिशा का ज्ञान जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बनाना है अपने हाथ से, रॉली से स्वास्तिक बनानी है, उसका जो मेन स्विच रहेगा वहां पर। इवन घर में जो हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, और वो बार बार बिगड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसको ठीक किया तो कीपैड खराब हो गया, कीपैड ठीक किया तो फैन खराब हो गया, कुछ ना कुछ हमेशा लैपटॉप मशीन में चल रहा है, ठीक है, उसके लिए तो हम लोग स्वास्तिक रॉली लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिजली फिजली है इसलिए साफ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा उसका। एक सिंपल सोल्यूशन है, आप व्हाइट पेपर में रेड कलर के मार्कर या स्केच पेन से एक स्वास्तिक बना ले, ठीक है, और उसको लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर लगा दें। जैसे अगर डेस्कटॉप है तो जो सीपीयू है उसके ऊपर लगा चिपका सकते हैं टेप से, या जो मॉनिटर है उसके बैक साइड में चिपका सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर, या फिर जहां कीपैड का जगह है छोटी सी, वहां पर भी एक छोटा सा स्वास्तिक बना के चिपका सकते हैं। ये जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त। आप लगाएंगे, जिस समय लगाएंगे अगले 1 से 2 घंटे के अंदर उस लैपटॉप कंप्यूटर का एक्शन दिखेगा, दिख जाएगा, इतना जबरदस्त काम करता है स्वास्तिक। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस का, बताइए सर स्वस्तिक काय का लेना है उसमें, किसमें? ये जो स्विच के ऊपर लगाना है आपने अभी बात किया वो। अच्छा, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर? हाँ, आपको कुछ नहीं हो, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर अगर कर रहे हैं तो एक व्हाइट पेपर में रेड कलर के मार्कर या स्केच पेन से ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल, और उसके ऊपर चिपका देना, चिपका देना, सिंपल, ठीक है। लेकिन करना अपने हाथ से, कोई स्टिकर खरीद के मत लगाना, स्टिकर काम नहीं करता, उसमें आपकी एनर्जी रहती है, जो आप ड्रॉ करते हैं आपकी आपकी एनर्जी होती है। स्टिकर तो बतेरे मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, आप ऐसे ले जाके लगा सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा। नहीं, पिरामिड का भी मिलता है ना सर? हाँ, पिरामिड का भी मिलता है, लेकिन पिरामिड हाथ से ड्रॉ करें, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो हाथ से ड्रॉ करें, ओके, वो ज्यादा काम करेगा। अगर प्राणिक हीलिंग में भी है ना सर, देखिएगा, अगर आप जैसे हम लोग वो करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, करते अभी सावन के महीने में करते हैं, जब तक सावन का महीना है, किसी भी चीज से जिसको जिससे समस्या है, कोई लोग अनाज से पार्थिव बनाते हैं, कोई लोग गंगा की मिट्टी से पार्थिव बनाते हैं, नर्मदा की मिट्टी से भी पार्थिव बनाते हैं। तो बनाने का क्या तात्पर्य है, वो तो शिवलिंग तो वैसे मिल जाता, खरीद के लगा सकते हैं। बनाने का तात्पर्य है कि अपना एनर्जी दे रहे हैं, हम प्रभु को अपना एनर्जी दे के स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैरिज के लिए बताइए, क्या मैरिज के लिए शादी नहीं हो रही है बताना है, या शादी हो गई है बीच में कलेश हो रहा है वो बताना है? दोनों। आज ही एक ही दिन सब कुछ चाहिए। हाँ बताइए।
सर आवाज गई आपकी। हेलो 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 हेलो। हाँ अभी आई। हाँ अच्छा, नेट नेट वीक है, इंटरनेट। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, मांगलिक दोष है, सप्तम भाव गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि की वजह से नहीं बन पा रही है बात, ठीक है, या खुद के किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर टोना टोटका वगैरह कुछ भी कर रखा हो, और आपका हर बार शादी की बात चलती है, बात आगे बढ़ती भी है और फिर टूट जाती है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, अगर पॉसिबल है, जो लोग गंगा किनारे रहते हैं तो गंगा में डुबकी लगा के आ जाएं, अगर नहीं पॉसिबल है तो गंगा जल मिलता है, आपको करना यह है कि नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाना। कैसे गंगा जल मिलाना है? ऐसा नहीं कि पहले पानी डाला फिर गंगा जल डाला, वो काम नहीं करेगा। ब्रह्मवर्तक पुराण में लिखा हुआ है कि गंगा जल में अगर जल मिला के कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले पात्र में गंगा जल को डाले, थोड़ा सा गंगा जल पात्र में या बाल्टी में डालकर फिर नॉर्मल पानी डालिए, तब वो गंगा जल बन जाता है। अगर आप पहले नॉर्मल पानी डाल के गंगा जल डालेंगे तो वो गंगा जल भी नॉर्मल पानी बन जाएगा। तो पहले पात्र में गंगा जल डालें, उसके बाद नॉर्मल पानी डालें, वो गंगा जल बन गया। उससे जातक या जातिका जो भी है जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको नहाना है लगातार 21 दिन। तो वो करने से सबसे बढ़िया चीज ये होती है, सबसे पहले जो भी कर्म बंधन है वो कटने लगता है, धीरे धीरे क्षय होता है, कमता है। उसके बाद उसमें भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो गुरुवार के गुरुवार नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी का पाउडर मिला के नहाए, गुरुवार के गुरुवार। ठीक है, ये करने से भी विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम है, सब कुछ कर लिया फिर भी सर कुछ नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही, बात ही नहीं बन रही है, कोई ढंग का मिलता ही नहीं है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो 40 साल भी उम्र हो गई है, या लड़का हो या लड़की, शादी नहीं हो पाई है किसी ना किसी कारण से, उनके लिए बहुत अच्छा अप्लाइड हो जाता है। वैसे सबके लिए है लेकिन वो उनके लिए भी अल्टीमेट काम करेगा। लगातार 4 गुरुवार 4 शुक्रवार किसी भी महीने के शुरू, पहले ही गुरुवार से शुरू कर लें, आखिरी गुरुवार तक, और पहले ही शुक्रवार से आखिरी शुक्रवार तक। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। चार जोड़ी पीले कपड़े और 4 जोड़ी सफेद कपड़े, अगर लड़की है तो सूट पीले कलर का और वाइट कलर का सूट, अगर पुरुष है तो वाइट पैंट वाइट शर्ट भी चलेगा और येलो पैंट येलो शर्ट, ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं होता है तो खरीद के वो क्या बोलते हैं, कपड़े का पीस खरीद के बनवा लो, लेकिन पहनना एक ही कलर का है, ठीक है। आपको करना यह है कि किसी महीने के पहले गुरुवार से अपने शुरू किया। नमस्कार रावत जी, कैसे हैं आप? रावत जी हाँ। तो गुरुवार को सबसे पहले पीला कपड़ा आपने पहना, दिन भर आप उसको पहनेंगे, जो भी आपको काम करना है कर ले, सिर्फ रात को सोने से पहले उस कपड़े को उतार देना है, उतार के किसी भी गरीब को उसको दे देना, नया ही होना चाहिए कपड़ा, बिल्कुल नया, 1 टाइम पहनेंगे। फिर गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार को सफेद कपड़ा, सफेद वाला जो जोड़ा खरीदा था, शर्ट पैंट या फीमेल जो अपना सूट खरीदी थी, उसको पहनना है, सेम चीज सेम प्रोसेस, शुक्रवार वाले दिन
दिन भर पहन के उसको यूज करना है और उसको वापस दोनों कपड़ों को फोल्ड करके शनिवार वाले दिन दान दे देना। हो गया? ऐसा आपको लगातार बुधवार शुक्रवार एक महीने तक यानी चार हफ्ते करने, फिर देखो शादी होती है कि नहीं। ये अल्टीमेट है, ये सबसे रामबाण है। जब हर चीज कर लिया और शादी में कलेश हो या अलगा वो तो हाँ उस पे आ रहा हूँ मैं। अब जो 60 साल के हो गए वो शादी करना चाहते हैं फिर वो अलग बात है, वो अपना यूज कर सकते हैं ये उपाय भी। अगर मन बन गया है कि शादी कर ले तो कर सकते हैं, ठीक है। कलेश है, बहुत ज्यादा कलेश, मतलब इतना कलेश कि एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। मतलब बात करना, छोटी सी बात, भाई यार पानी पिला दे, हस्बैंड बेचारा घर पे आता है कहता पानी पिला दे, पानी पिला दे क्या होता है, खुद से जाकर ले लो, ठीक है। अगर ये वाली हालत भी चला गया, उस अवस्था में चली गई ये मतलब शादी वाला रिलेशनशिप उस जगह पे चली गया, अब शक्ल भी देखना दो भर है। बहुत सिंपल और सुंदर उपाय है ये, आप हाईएस्ट बहुत ज्यादा झगड़ा होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, या कम झगड़ा होता तो भी यूज कर सकते हैं, या मेंटालिटी नहीं मैच होती है तो भी यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये। ऑब्वियस सी बात है, अगर लड़की है तो लड़की का कपड़ा लड़की ही पहनेगी, किसी लड़की औरत को दे देना, अगर लड़के का कपड़ा है तो लड़के को ही देना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड है ना। बस किसी को भी किसको दे दोगे आप, कोई मेल है उसको फीमेल के कपड़े दे दोगे वो पहनेगा क्या? पूछ रही है, ठीक है। राजीव सिंह जी बोल रहे हैं सर स्टडी में कंसंट्रेट करने का के लिए बताओ, फोन दूर करो सबसे, ये टोटका नहीं है, कोई उपाय नहीं है, फोन को दूर करो, आपके बॉडी से 10 फीट की दूरी पे होना चाहिए फोन, तभी कंसंट्रेशन होगा। नहीं तो वो फोन जो है ना, आज के डेट में फोन हमारे ब्रेन के रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ, फोन का रेडियो फ्रिक्वेंसी इतना कनेक्टेड है कि ये आप साइलेंट मोड में भी रखोगे और कोई मैसेज आया आपको भी दिमाग में मैसेज आता है, वो टंग देखो क्या चल रहा है वहां पे। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो कृपया करके फोन को 10 फीट की दूरी पर रखें, 10 फीट के बाद रेडियो सिग्नल्स ब्रेन को रिसीव नहीं होते। बहुत सिंपल सोल्यूशन है राजीव जी, आगे बताऊंगा मैं, लेकिन पहला प्राइमरी फर्स्ट सोल्यूशन ये है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनाइए। सर क्लेश के लिए शादी के जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ उसी में जा रहा हूँ। शादी में कलेश वाला जो है, चांदी की डिब्बी आती है, छोटी सी चांदी की डिब्बी, ये साइज, ठीक है। अगर किसी को चांदी की डिब्बी ज्वेलरी शॉप में नहीं मिल रहा है तो उनको बोलिए कि सिंदूर रखने का जो चांदी का छोटी सी डिब्बी होती है ना, सिंदूर रखने के लिए, जो विवाहित फीमेल जब सिंदूर लगाती हैं तो एक छोटे से जगह पर रखती हैं ऐसा चुटकी भर लेकर, फिर मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो चांदी की एक छोटी डिब्बी ले, उसमें गंगा जल भरे, ठीक है। गंगा जल, अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो किसी भी नदी का जल होना चाहिए, पानी, किसी भी नदी का पानी उसमें रख के ढक्कन को बंद करें और घर में किसी ऐसे कोने पे उसको रख दें जहां किसी की नजर ना जाए, ना किसी का हाथ भी ना जाए, सिर्फ आप ही को पता हो या आपके हस्बैंड को पता हो, ठीक है। देखना अगले 7 दिन के अंदर कलेश खत्म, एक दूसरे के पीछे लगना, एक दूसरे के को गलत सलत बोलना बंद। लेकिन ये डिब्बी जो बताया आपने उसकी शेप क्या होनी चाहिए, चौकोर शेप या गोल? डजंट मैटर कुछ नहीं, कोई फायदा है उसका सर, कोई वो, सर वो डिब्बी को कहाँ रखना है? ऐसी जगह पर रखिए, अंधेरी जगह पर जहां पर कोई पहुंच ना सके, छुपा के रखना है उसको। अच्छा, सिर्फ आपको पता हो और आपके आपकी जो वाइफ हो उसको पता हो,
ठीक है, उसमें पानी जब तक रहेगा तब तक शांति रहेगी, दोनों में से कोई भी तर्क वितर्क नहीं करेगा। अगर वापस तर्क वितर्क चालू हो गया, इसका मतलब यह है कि वो पानी सूख गया है, खत्म हो गया है, वापस उसमें पानी डाल के भर के रखो। ठीक है, ये रेगुलर वाइज होना चाहिए। हालांकि अब मेरी बीवी के साथ मेरे कलेश होता है, तो मैंने आज तक वो उपाय नहीं किया है, मैं सिर्फ थोड़ा सा रेकी हीलिंग कर देता हूँ, वो ठीक हो जाता है, बड़े आराम से ठीक होता है, उसमें मुझे ज्यादा फोर्स करना नहीं पड़ता, बिकॉज़ उसकी एनर्जी बहुत ठीक है, कंट्रोल वाली है। सर, सर अगर मतलब हस्बैंड के साथ ही क्लेश है, उसको बता के कैसे रखेंगे सर, हम बता ना बताएं तो? ना ही बताइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर, जरूरी नहीं है, वो मानेंगे नहीं इस चीज को, बोलेंगे क्या तुम ज्यादा टोना कर रहे हो। देखिए मैं बताता हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग है फिर भी झगड़ा हो रहा है तो ठीक है, दोनों को भरोसा है, दोनों को विश्वास है, ये इसमें काम होता है तो कर लो। अगर कोई एक बिल्कुल विपरीत है तो अगले को अकेले ही करना है। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। हाँ सर, एक चीज और थी, जैसे मेरा गुरु बकरी है, साउथ में है, मेरा जुपिटर भी बकरी है और सैटर्न भी बकरी है, दोनों साथ में ही है लगन में। अच्छा, और चंद्र साथ में घर पे है। हाँ, कन्या लग्न। सोती कितना है आप? जैसे सोती अवॉइड करती हूँ, अब मैंने बहुत पहले कोशिश करती हूँ मैं जागी रहूँ, और नींद कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी, अगर नींद एकदम से लेट से आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और रात को लेकिन कोशिश करती हूँ समय पे सो, वो रात का सिस्टम। बॉडी वेट कितना गेन किया है? बॉडी वेट मेरा बहुत गेन हो चुका हुआ है, मैंने कम से कम 20-25 केजी गेन कर लिया है। बस अब टारगेट बनाओ, रिवॉल्यूशन लाना है, मंगल को एक्टिवेट करो, नहीं तो फिर आपको ये वक्री फल वक्री ग्रह रिजल्ट नहीं देंगे। पता है वक्री बल वक्री ग्रह अगर आपके लगन में बैठे हैं ना, हाँ जी, तो बहुत पावरफुल है वो, बहुत पावरफुल, और गलती से अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो सीधा सीधा वो करते हैं बैकफायर, आपको मोटा बना के सुस्त बना देंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मुझे अपने पे वर्कआउट करना है पहले, मैं एकदम जिम जाइए, जिम लोहा उठाइए, लोहा उठाइए भाई, नहीं तो नहीं खटने वाला। साढ़े साथी भी चल रही है मेरी, मीन राशि है, साढ़े साथी भी चल रही है। तब तो और भी अच्छे से करना चाहिए आपको। यस सर, साढ़े साथी का रामबाण इलाज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे अभी मैंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, मेरी एज वैसे 42 इयर्स है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में रह चुकी हूं 10-12 साल। अभी दिल्ली में थी, अब मैं बॉम्बे आई तो चेंज किया सोनी पटेल ऑफिस को, अब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है, तो अभी जैसे राहु भी 11 घर पे है मेरा, और बुध भी मेरा जो है 5th हाउस में है केतु के साथ, तो अगर मैं ये टेक्निकल फील्ड में जाती हूँ, एपटेक से ज्वाइन किया मैंने, तो मुझे फलेगा क्या, मैं उस फील्ड में आगे किसी जॉब कर पाऊंगी, ऐसा कुछ है क्या कि या जॉब? बिल्कुल, आप ऑनलाइन आप फ्रीलांसर बन के काम कर पाएंगे बड़े आराम से। अच्छा, फ्रीलांसर घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम अगर मेरे को इच्छा होती बाहर जैसे ऑफिस में जॉब करने की, उसमें तो भी चलेगा, चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा फ्रीडम रहेगा। आप ये बताइए क्या कोर्स कर रही हैं आप? मैं जैसे कर रही हूं HTML आजकल चल रहा है, पाइथन जैसे लैंग्वेज जो होती है। बस 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 बस, तो उसके लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वो सब वर्क फ्रॉम होम है। ओके, सब वर्क फ्रॉम होम है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी जैसे अभी जैसे गुरु बकरी होने भी वाला है, तो कोई उसका उपाय बता सकते हैं? अभी तो गुरु बकरी भी होने वाला है, उसमें क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीचर्स वगैरह का सपोर्ट थोड़ा कम मिलने लग गया, कुछ भी पूछना हो बताना हो। नहीं नहीं नहीं, गुरु बकरी हो जाने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा मेहनत करना है भाई, टीचर कम नहीं कर रहे हैं, आपका एफर्ट कम हो रहा है। ओके ओके, अच्छा जी। और अगर जन्मकालीन गुरु वक्री है और गोचर में भी गुरु वक्री हो रहे हैं, तो दैट इज द मोस्ट गोल्डन चांस टू रिकवर योरसेल्फ। यही वो समय है जहां पर आप अपने जीवन में पूरी तरह से फोर्सफुली बदलाव ला सकते हैं। यस, बिकॉज क्या है कि मेरी मैरिज भी काफी डिस्टर्बेंस रहा है पिछले कुछ सालों से, जब से हम बॉम्बे में आए हैं थोड़ा सा जैसे कि काफी डिस्टर्बेंस रहा है। तो वो चांदी वाला उपाय कीजिए, चांदी की डिब्बी में गंगा जल। बिल्कुल मैं वो करूंगी, मेरे को लगता है मेरी लाइफ में ना जैसे कि वापस से खुद को स्टैंड करना चाहती है, कुछ इज्जत ही नहीं रहती थी किसी इंसान की, जब नौकरी अब हो जाएगा
आ जाएगा, आपका बॉडी वेट घटेगा, आपका राहु ठीक होगा। देखो क्या होता है ना इंसान, अब देखो ये सबके लिए इन कॉमन है, मैं ये सबके लिए बता देता हूँ कि अगर आपका पेट बाहर आ रहा है, स्पेशली नाभि का एरिया, कमर और थोड़ा सा ऊपर का एरिया बाहर आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स राहु बिगड़ रहा है, ठीक है। आपका अगर ओवरऑल बॉडी का फैट ही ऐसा गोल है, स्ट्रक्चर है, दैट इज ओके फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको खुद को जब आप नीचे देखते हो तो सबसे पहले आपका तोंद दिखता है, इसका मतलब राहु खराब है, उसको अंदर घुसाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए उसका इलाज, उसका रेमेडी, उसका रेमेडी आप चेयर छोड़िए, चेयर छोड़िए, चेयर चेयर छोड़िए, वॉक एंड टॉक, अगर बात कर रहे हैं तो चलते हुए बात करें, दिन का एक घंटा चलते हुए निकालें, चलना पड़ेगा, वॉक करना ही पड़ेगा। और कितनी बार होता है कि बिल्ली भी रास्ता काट जाती है, वो भी राहु का ही होती है ना, कितनी बार ही होता है, मेरे को तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्ली रास्ता काटती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्ली को काली होनी चाहिए, टोटल ब्लैक, अदरवाइज मुझे अगर अदरवाइज दूसरे डिफरेंट कलर की हो तो वो काम नहीं करेगा। एकदम ब्लैक वाली मिलती है जो भी काटती रास्ता, हाँ सरला जी बताएं, सरला जी क्या पूछना चाहती हैं? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, सरला जी अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हेलो सरला जी, चलिए विजय जी बताइए, विजया जी बताइए, विजय शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने चैट में भी लिखा और मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स, खासकर लेडीज लोग आती है कि उनकी मैरिड लाइफ में थर्ड पर्सन है, अधिकतर 99% में हस्बैंड का बाहर रिलेशन है और उसकी वजह से घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स चलती है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि उस थर्ड पर्सन को हम हमारी लाइफ से निकाल सके? बिल्कुल है ना, लेकिन थोड़ा सा वो है 100% काम करता है, लेकिन व्यक्ति खुद करे तो ज्यादा अच्छा है, किसी बशर्ते किसी और से करवाए, अगर अपनी एनर्जी से करता है तो इमीडिएट काम करेगा। अरे बाप रे, कौन है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। बता जो सर, आप म्यूट कर दीजिए सबको। तो उपाय यह है कि ये कैंडल से उपाय करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड पार्टी का इशू है, अगर थर्ड पार्टी की फोटो मिलती है, नाम मिल जाए तो बहुत अच्छा, नाम और फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये जुगाड़ हो जाए तो एक्शन बहुत जल्दी होगा, अगर फोटो जुगाड़ नहीं होता है, सिर्फ नाम मिल जाए तो उसमें भी काम होगा। अच्छा ठीक है, अगर थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है तो आपको करना यह है कि एक दो ब्लैक कैंडल खरीदना है, ब्लैक कैंडल अमेज़न में अवेलेबल है, मिल जाएगा जी, मैं ये सामग्री बता रहा हूँ, और ब्लैक धागा, कोई सा भी धागा चलेगा, ठीक है। आपको करना है अमावस की रात को 12 बजे, गहरे अमावस की रात को 12 बजे थर्ड पार्टी के लिए, एक कैंडल में उस थर्ड पार्टी के नाम और फोटो के साथ उसको कैंडल के साथ सेलो टेप के साथ चिपका दें, दूसरे कैंडल में अपने हस्बैंड का नाम और सेलो टेप या चिपका दें, मतलब जो भी दो ऐसे लोग जिनके बीच में संबंध बन रहे हैं और अपने घर के पत्नी या पति को बाहर छोड़ा हुआ है, उन दोनों का फोटो और नाम अलग अलग दोनों कैंडल में चिपका दें,
और सेलो टेप से लपेट दें। सर सेलो टेप ब्लैक लेना है कि कोई भी चले? नहीं नहीं ट्रांसपेरेंट। ओके दिखना चाहिए ना, ब्लैक कर देंगे तो दिखेगा, वो दिखना चाहिए ना कि संबंधों को काटना है। फिर आपको सात दोनों कैंडल को बिल्कुल आसपास रखना है ऐसे, और दोनों कैंडल को ऐसे रख के काले धागे से लपेटना है 7 बार, 7 टाइम लपेटना है। बीच में थोड़ा सा कैंडल के दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा गैप लपेटना है, लूजली लपेटना, बहुत टाइट मत लपेटना, नहीं तो कैंडल खड़े नहीं रह पाएंगे ठीक से, ठीक है। उसके बाद दोनों कैंडल को जला देना, ठीक है, बर्न डाउन कर लिया। उसके बाद वहां बैठकर ये इंटेंड देना है कैंडल्स को और धागे को और उन फोटोज को देख के कि तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको मैं अब खत्म करने वाली हूं या वाला हूं। अच्छा, हाथ में एक सीजर लेना, बड़ा वाला, बड़ा वाला सीजर लेके दोनों का जो कनेक्शन है धागे वाला, सारे धागे को कटना, काट करना है, कटिंग कर देना, कट कर दो, दोनों के बीच से ऐसा डालो और ये ऐसा कट कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है। कट करने के बाद दोनों को थोड़ा सा, दोनों में डिफरेंस हल्का सा डिफरेंस ले आओ, अलग कर दो, मैं दो कैंडल जो बगल में बैठे हैं उनको थोड़ा सा दूर कर दो और कैंडल को जलने दो, वहां तक जलने दो जहां तक उनके दोनों का फोटो है, मतलब उनका सर जल जाना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा जो फोटो का वो जल जाना चाहिए। जलने के बाद जो सामग्री बच जा रही है उसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को घर के बाहर ले जाकर फेंकना है। जैसे अगर आपने लड़के का कैंडल राइट में रखा है और लड़की का लेफ्ट में रखा है, तो जल जाने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा, राइट हैंड वाले कैंडल को घर के बाहर जाके लेफ्ट हैंड साइड में दूर जाके सड़क किनारे फेंकना, सड़क के उस पार फेंकना है, और लड़की वाले का जो लेफ्ट हैंड में था उसको राइट साइड में घर के बाहर जाके सड़क के उस पार जाके फेंकना है, कहीं भी फेंक के आ जाओ। रात में ही फेंकना है सर? सुबह भी फेंक सकते हैं, रात को आप बैल्कनी में रख दीजिए, अगर पॉसिबल है तो रात को ही जाइए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो सुबह उठ के डाल के आ जाइए। और कैंडल जितनी जलती है उतनी जलने देना है? हाँ, जितनी जलती है उसको जल दे, अगर रात भर में पूरा ही, अगर आपको जाने का मौका नहीं है तो पूरा जल जाता है तो पूरा जल जाने दो। और दिशा का वगैरह कोई ख्याल नहीं रखना है ना, किस साइड मुंह करके बैठना वगैरह? हाँ, इसका स्पेशल स्पेशल दक्षिण, ओनली दक्षिण, ये मारण उच्चाटन है, एक तरह का मारण उच्चाटन है जो कि दोनों के बीच का अस्तित्व खत्म करना है। ओके, 100% काम करता है, 100%। रिलेशन ब्रेक हो जाएगा सर? हाँ, काला धागा काटना है। एक ही काला धागा यूज करना ना हमने? एक एक सिंगल सिंगल धागा, इतना बड़ा हो कि 7 बार लपेटे में आ जाए। ओके, बात क्या करना है? लपेट 7 बार लपेट के नॉट बांधनी है, जैसे छोड़ दे उसको, लपेट के सिर्फ छोड़ देना, कोई नॉट नहीं बांधना। ओके, और इंटेंशन देने के बाद काटना है ना सर? यस। जी हेमलता जी, क्या पूछना चाहते? हाँ विजय जी बताएं। मैं पूछूं सर? सरला। हाँ जी पूछिए पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे हस्बैंड ना जैसे बैक पेन रहते हैं, सेटिंग ज्यादा जॉब है, बट शुरू से ही ना ऐसे जैसे आलसी होते हैं ना, ऐसे रहते हैं होल टाइम घर पे रहते हैं तब, और कुछ अगर वॉक वगैरह करते हैं तो बैक पेन आ जाता है, मतलब एक्टिव नहीं रह पाते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, पूजा पाठ कर लेंगे पर रेस्ट चाहिए उनको बस। लोअर बैक में प्रॉब्लम है ना? बैक पेन आ जाता है अगर वो वॉकिंग वगैरह करते हैं या वैसे कुछ करते हैं तो। उनका उनका सबसे पहले ये देखिए, वो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं क्या? उनका काम ही पैसे का है सर, पैसे का टेंशन करते हैं बहुत, कैश कैश हाँ बस बस बस, फिर कैश काउंटर में पैसे को लेकर टेंशन कर रहे हैं बहुत।
उनका उनको रेड फ्रूट दो, रेड फ्रूट लाल रंग के फ्रूट, जैसे लाल रंग का शिमला मिर्च, अनार, फिर गाजर, टमाटर, ये ज्यादा खिलाओ। अच्छा, गाजर टमाटर रेड कलर के फूड खिलाने हैं। हाँ। सर ये कैश में जब तक इनकी ड्यूटी रहेगी, कैश ऑफिसर हैं, तो फिर इनको बैक पेन रहेगी? रहेगी हा? बिल्कुल रहेगी। और पैसों को लेकर ये बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं पैसों को लेकर। अरे यहाँ पे खो गया, अरे मेरे से ये तो नहीं हो गया, मेरा मेरे से मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गया, ये सब सोचते रहते हैं। और इस वजह से इनका जो है लोअर बैक, यानी इनका जो मूलाधार चक्र है, ठीक है, मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए एक तो उनको योगा करना पड़ेगा। अगर वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बोलिए कि YouTube में देखे बहुत सारे ऐसे आसन और व्यायाम है जिससे लोअर बैक जल्दी ठीक होता है। उनको वॉक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसन करे, पर्टिकुलरली उस जोन को बहुत स्ट्रेच मिलता है और स्ट्रेंथ हो जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। सर मेरी सुनते नहीं है, मेरी सुने कैसे ये बता दे। हाय हाय हाय, यहाँ तो सारी है वही बैठी हुई है, कुछ बता दो भाई, हस्बैंड अपनी मुट्ठी में रहे, अपनी मुट्ठी में जो मर्जी बोले वो करे। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे हैं, मुट्ठी में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ योगा की सुन लेना इतना चाहिए मुझे। रोज बोलना पड़ेगा आपको, रोज इनके आगे ही बोल रही हूं। रोज रोज बोलना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा आपको। रोज बोलते हैं सर, और पूजा में बैठ जाएंगे 2 घंटे पर ये लाइलाज नहीं है, ये लाइलाज नहीं है, बड़े आसानी से ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, इसके बाद से वहां पर ऐसा हार्निएटेड डिस्क बैठ जाता है, डिस्क जो है ना हड्डी के बीच में गैप होता है, वो बढ़ जाता है और आप फिर और भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। सर सिर्फ कस्टमर नजर आते हैं, इन्हें घर फैमिली नजर नहीं आती। नहीं कुछ नहीं कर सकते, बैंक बैंक वालों के सबके एक ही कहानी है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद ही जॉब कर चुका हूँ, मुझे पता है। ठीक है सर, बैंक की जॉब में बहुत टेंशन होती है, बहुत बहुत ज्यादा सर। और सिंगल कैश ऑफिसर सीट है सर, कोई दूसरा कोई है नहीं ऑफिसर, तो इसलिए बड़े परेशान रहते हैं। एक मैनेजर है और एक ये है। इनको रेड फ्रूट खिलाओ, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा रेड फ्रूट से। ठीक है, लाल कलर की सब्जियां, लाल कलर के फल। ठीक है, इसके अलावा जो आसन बताया वो आसन आप ढूंढ के निकालो और इनको सामने रखो, ये इनके करवाओ। सर एक क्वेश्चन, सर बिटिया का देवर है ना, उन लोगों को बड़ा जादू टोना परेशान करता रहता है, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के सेपरेट रह रहे हैं वो लोग, तो ना तो प्रॉपर्टी में से कोई हक लेने देता, हल्ला मचा देते हैं, मतलब ऐसे कहते ना वो प्लॉट में रहते थे, नीम का पेड़ जल गया, सोफा जल गया, तो ऐसा कुछ करता रहते हैं वो, तो कुछ ऐसा सा बता दीजिए उपाय, सिंपल सा, कि वो जो है इन बच्चों का बचाव हो जाए, मेरे बेटी दामाद। घर में हर गुरु हर पूर्णिमा वाले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा और हवन यज्ञ करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। हर पूर्णमासी को ये कॉमन है, ये काम कर जाता है तुरंत, इसमें ग्रह नक्षत्र नहीं चाहिए होते। हाँ सर, आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में सर। हाय राम। अरे भाई क्लास चल रहा है, ये सर क्लास चल रहा है, कोई कंसल्टेंसी नहीं चल रही भाई, क्लास चल रही है। तो बच्चों को नंबर दे दूंगी आपको, वो समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है ठीक है, प्लीज सर। अरे ग्रुप में आप कोर्स ऐड कीजिए, ग्रुप में मेरा नंबर वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, क्या नाम सर आपका? जी मेरा नाम मिथुन है, MITHUN मिथुन। हेमलता जी बताइए। सर ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे नौकरी में मन लगे, बिल्कुल छोड़ देने का जब मन होता है। अरे रे 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 रे। नौकरी छोड़ देने का मन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यही काम करें, ज्योतिष में ही रहे। हाँ सर, नहीं सर कुछ और भी करते, लेकिन ये जॉब वो बस टाइम टेबल इतना मेंटेन करना, ये सब मजा नहीं आ रहा है। अब मजा नहीं आ रहा, मतलब डिसिप्लिन में रहने का मन नहीं कर रहा, आजादी चाहिए। जी सर, जॉब से बचने के लिए, मतलब जॉब को अगर स्टेबल करना है तो सबसे पहला काम जो है आपको सूर्य को ठीक करना पड़ेगा, सन। जी जी जी, ठीक है। तो आप तो एक तो सुबह उठ के जो है सूर्य को अर्घ देना चालू कीजिए। अर्घ देने बजे? जब भी उठे, जब आप भी जितने भी सुबह उठते हैं तो अच्छा है, ठीक है। अगर पॉसिबल है कि सूर्योदय के ठीक पहले, मतलब जब बिल्कुल लालिमा लिए हुए आसमान आकाश रहता है, उस समय पे बैठ के अगर भगवान सूर्य को उगता हुआ देखें और हाथ जोड़ के प्रणाम करके सिर्फ धन्यवाद करें तो उसमें भी काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है।
कि सुबह उठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिनचर्या मेरा अच्छा बिताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देने से ही काम हो जाता है। उसके अलावा अगर आप लेट से उठती हैं तो एक तांबे के लोटे में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा अक्षत्र चावल डालिए, 1 रुपए का कॉइन, लाल पुष्प और 1 चुटकी रौली डालकर वो सूर्य को अर्घ दीजिए। हाँ, 1 रुपए का कॉइन डालते हैं, ठीक है, मतलब आपको पैसा नहीं चाहिए तो पैसा नहीं चाहिए तो मत डालिएगा, मतलब डेली 1 रुपया, डेली 1 रुपया सर 30 दिन। हाँ, तो फिर उसको आप जहाँ पे डालेंगे, अगर आसपास कहीं टब है तो टब में रख दीजिएगा, अगर कोई आता है तो उसको वो पैसा कॉइन निकाल के दे दीजिएगा, किसी हो जाएगा सिंपल, ठीक है जी। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, अब खत्म करने वाले और 5 मिनट। सर मैं प्रियंका, सर हाँ। ये पूछना था मुझे, जैसे मेरा 6th हाउस में मैडम उपाय सूर्य और मंगल है, तो भी मैं सूर्य को जल दे सकती हूँ क्या? जैसे शुक्र और मंगल डिग्री देखना पड़ेगा, डिग्री कंबस्ट है, मंगल और शुक्र दोनों कंबस्ट है, तब नहीं दो, तब नहीं दूना सूर्य को जल, नहीं तो आप पतली नहीं हो पाएंगी और मोटी होती जाएंगी। हाँ हाँ वही क्योंकि उसे सूर्य और वो मंगल शुक्र और कंबस्ट हो जाएंगे। संजू शरण पूछ रहे हैं, सर मेरे कोई ऑफिस नहीं है बट मैं अपने बिजनेस ऑनलाइन ही ऑपरेट करता हूँ बट कोई ग्रोथ नहीं है, प्लीज रेमेडी बताइए। संजू जी जरा लाइट अपना स्क्रीन ऑन कीजिए, कहाँ है संजू, चलेगा मैं SA संजू, हाँ हाँ संजू शरण जी अनम्यूट कीजिए, आई एम आउट, ओके ओके कैन नॉट टॉक लाइव, ओके ओके फाइन। सिंपल जो मैंने अभी भी बताया कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे माँ लक्ष्मी का वो वाला इमेज जहाँ पर माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, या एक बड़ा सा श्री यंत्र लगा दीजिए अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। अगर आप लोग जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, स्पेशली इंक्लूडिंग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और वो ऑनलाइन काम करते हैं, वो भी लगा सकते हैं अपने स्क्रीन पे, श्री यंत्र की फोटो लगाएं या माँ लक्ष्मी का बैठे हुए और दोनों हाथों से धन देने वाला, ठीक है। और राहु का मंत्र जाप सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य का कंडीशन अच्छा है तो राहु का मंत्र तुरंत फलित करेगा, फल देगा। अगर नहीं है सूर्य का सूर्य अच्छा कुंडली में, तो दूसरा एक उपाय है, आपको खाटू श्याम जाना पड़ेगा। खाटू श्याम का मंदिर राहु का मंदिर है, ठीक है। खाटू श्याम के मंदिर आप साल में 2 बार या 1 बार जरूर जाएं। तो शरण संजू शरण जी आप कहां से हैं? 11th में है भैया, 11th में सूर्य राहु काम नहीं करता ठीक से, रिकग्निशन नहीं मिलती काम, ऐसा व्यक्ति बहुत काम करेगा लेकिन रिकग्निशन नहीं मिलती। गुजरात में हूं बस, ठीक है, गुजरात से राजस्थान कर चले जाओ, गो फॉर इट, वंस एक बार जाओ जरूर, बहुत एक जिसको कहते नहीं, एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। खाटू श्याम जी हार्डवर्क बहुत करते हैं। मिल जाएगा उनकी दशाओं में मिल जाएगा आपको। हाँ जी बोलिए। सर एक उपाय मुझे भी बताओ। हाँ जी। जो बच्चे लेट उठते हैं या नहीं उठ पाते, उनके लिए रेमेडी, रात को 8 बजे से पहले सिर्फ 1 कटोरी पतली दाल पीनी है बस। क्या समझे? नहीं समझे सर, वो तो नहीं मानेंगे। हाँ तो मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। रात को 8 से 9 बजे के बीच सिर्फ 1 कटोरी दाल पी के सोनी है, और अगले दिन 4:30 बजे ना कर आंख ना खुल जाए तो मैं नाम बदल दूंगा, छोड़ दूंगा काम। और कोई टोना टोटका काम नहीं करता, रात का खाना ही बंद कर दो, सुबह अपने आप नींद खुलेगी। रात को कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए, ओनली प्रोटीन, वो भी थोड़ा। सर आपका नंबर दे दीजिए। मैडम कोर्स ज्वाइन करेंगी तो नंबर अपने आप मिल जाएगा। इस तरह से हम अकेडमी से नंबर डायरेक्टली दे सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई में मन लगने के लिए घर में सरस्वती माता को स्थापित कीजिए पहली बात,
दूसरी बात उनको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से बच्चे के अंदर कौन सा स्पेशल टैलेंट है। क्या है स्पेशल टैलेंट? अगर कोई बच्चा ड्राइंग करने में अच्छा है तो उसको ड्राइंग करने के लिए एक स्पेशल जोन देना पड़ेगा, उसको वो सामग्री देनी पड़ेगी जिसमें वो अपने ब्रेन को एंटरटेन करे। अगर कोई बच्चे को म्यूजिक में पसंद है, गेम खेलना पसंद है, तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलम में वो पार्ट बहुत अच्छे से नर्चर करना पड़ेगा, तभी उसका जो मेन पढ़ाई का रिजल्ट है वो अच्छा दिखेगा। नहीं तो वही बनेगा, क्या बनेगा? नौकर। एक मिडिल क्लास ट्रैप है जहां पर व्यक्ति को स्कूल भेजा जाता है, स्कूल से कॉलेज भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, फॉर व्हाट? जॉब, नॉट अ बिकम अ गुड ह्यूमन, बिकम अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन। समझे मेरी बात? थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूँ, इस जगह पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि इंसान को सबसे पहले इंसान बनाओ। नौकरी क्या? ऐसा आदमी 10 लोगों को नौकरी देगा, लाखों को नौकरी देगा। अगर आप नौकर बना रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, तो जो पढ़ रहा है पढ़ने दो, जो चल रहा है चलने दो। थैंक यू सर। सर ये जो आप रेमेडियल कोर्स है क्या? हाँ जी, रेमेडियल कोर्स है, 2 मंथ का है। इसको अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी सर, इसकी स्क्रीन शेयर कर। हाँ, ये मैं बताता हूँ कोर्स का जो पूरा सर, मुहूर्त वाली क्लास भी अभी लगेगी क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। मेरा ज़रा नेटवर्क का इशू दिख रहा है। मुहूर्त पहले कराया था ना अपने, मुहूर्त मुहूर्त वाली क्लास लगी। वो एकेडमी से पूछ लीजिए क्या उनका शेड्यूल है उस हिसाब से। प्लैनेट के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज वाला एक किस्सा है ना, उसमें आपको वैदिक वाला क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे इतना नहीं पता कि कौन कौन वैदिक वालों में से है। अगर सारे वैदिक वालों में से है तो उसमें फिर कोर्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर वो 15 से 20 दिन का एक अलग ही कोर्स है। हाँ, अलग तो से भाव भाव वाइज हाउस वाइज अकॉर्डिंग टू कुंडली वो वाला। हाँ जी, हाँ वो कोई कोर्स है क्या आपके पास यहाँ पे? हाँ, एक छोटा सा कोर्स है, मैं बात कर लूंगा एकेडमी से बात कर लूंगा। हाँ, लगन के हिसाब से किसको कौन सा रेमेडी सूट करता है। सर, जिन बच्चों को ये सिक्वेंट आई होते हैं उसका कोई रेमेडी है क्या? जिन बच्चों को जो टीर नहीं मारते आंख में, थोड़ी सी छोटे बच्चे होते हैं आंख में टीयर आता है। हाँ जी, नहीं आंख में टीयर आता तो डॉक्टर को दिखाइए, उसमें कोई रेमेडी नहीं चलेगा। अच्छा, वो जो हाँ जो आई का जो इंटरनल ग्लैंड होता है ना, वो कहीं से लीक होता है, वो टेढ़ा देखते हैं तो वो तो वैसा ही है, उसको क्या पीछा करें? नहीं, वो तो हो जाता है ठीक, तो वो अलग है। वो अगर सब ठीक हो जाता है, आंख घूम जाती है, पुतली आंख की पुतलियां जो थोड़ा सा हट जाती है पीछे, उसको लेजी आई बोलते हैं। वो भी एक सिंड्रोम होता है, वो आंख की बीमारी है, उसको तो डॉक्टर ही दिखाना पड़ेगा। बच्चे के सूर्य और राहु इकट्ठे हैं। सूर्य राहु इकट्ठे है ना, ठीक है। वो इसको तो अच्छा गवर्नमेंट जॉब का बड़ा रहता है, सूर्य राहु का गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं सूर्य राहु। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये जो कोर्स है
एक मिनट यार, इसमें यह पीपीटी खुल नहीं रहा। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इसको ओपन करके फिर करता हूँ। फिर से बोलिए मैडम, सारा आवाज वॉइस पूरा ब्रेक हो गया, नहीं समझ में। कई आजकल यंगस्टर बच्चे हैं जिनके नहीं समझ में आया, आपकी वॉइस पूरी तरह ब्रेक हो रही। वॉइस ब्रेक, सर हम लोग जो ऑकल्ट में हैं उनके लिए भी कुछ रेमेडी बताइए। क्या रेमेडी बताइए, किस तरह का चाहिए? मतलब और अच्छा हम लोग इसमें करें, मतलब हम लोग अच्छा जो भी भविष्यवाणी करें वो सटीक हो। जी सर। मैडम उसका तो एक बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला है कि प्रैक्टिस, सटीक भविष्यवाणी चाहिए तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना हो सके पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात कि जैसे सर हम लोग आपके पल्मिस्ट्री वाले कोर्स में हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली में आपको सबसे पहले ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि केतु का क्या पोजीशन है, केतु केतु को अच्छा करना है। अच्छा, केतु जितना अच्छा रहेगा आपका इंट्यूशन उतना ज्यादा अच्छा होगा। वो तो सूर्य के साथ फोर्थ हाउस में है। सूर्य के साथ फोर्थ हाउस में, तो केतु का बुध भी, बुध और शुक्र भी है, बुध शुक्र केतु सूर्य, शुक्र केतु चार है, चार पैकेट। अब तीन चारों में से ये दोनों तो कंबस्ट हो गए होंगे, शुक्र और बुध। नहीं सर, कोई भी कंबस्ट नहीं है, दूरी है, तब ठीक है। तब आप ना केतु का मंत्र जापिए और केतु की सेवा कीजिए, जैसे कुत्ता वत्ता मिले तो कुत्ते को खिलाइए, अगर घर में डॉगी है तो नहीं है तो डॉगी भी पाल सकते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत सर, बिल्ली है बहुत सारी, बिल्ली है, बिल्ली है तो फिर वो राहु बना रही है, राहु राहु बना रही है। राहु तो थोड़ा सा गड़बड़ करे, बिल्ली पे फोकस करिए, सॉरी बिल्ली को साइड में करिए, कुत्ते पे फोकस कीजिए। तो बिल्ली भगा दें सर, घर के आसपास कहीं भी आपको ना वो गली वाले कुत्ते भी मिल जाते हैं तो उनको ना कुछ ना कुछ खिलाते रहिए हमेशा, वो 5 रुपए का जो बिस्किट आता है वो भी खिलाते रहिए। ठीक है सर, उससे बहुत बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा जो है आपको करना है जी सर, केतु मंत्र का जाप, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है तो बल मिलेगा वहां पे। और राशि कौन सी है मैडम, सूर्य केतु और बुध है? ये मीन राशि में बैठा हुआ है सर, धनु लग्न है मेरा। अरे वाह वाह वाह, तब तो पूरा बलवान ही है। चंद्रमा और चंद्रमा और मंगल 8 हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा स्वराशि का है, चंद्रमा स्वराशि का अष्टमेश अष्टम में ही होकर बैठा है, मंगल भी है और बाकी ग्रहों के सारे ग्रह तो एक दूसरे के त्रिकोण में आ ही रहे हैं। बस बस ठीक है जी सर, जी सर। आप चुपचाप प्रैक्टिस कीजिए मैडम, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आएगा। केतु और बुध फिफ्थ हाउस में है, और फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पर है? फिफ्थ लॉर्ड मेरा लग्न में है, कैप्रिकॉर्न हाउस में है ना, आठवें घर में कौन है?
आशा घर में आशा घर खाली है मेरा, शनि जो है लग्न में है, वर्गो लग्न है और केतु बुध पे खाऊंगी। और अष्टमेश मंगल कहाँ बैठा है? मंगल सिक्स हाउस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र और सूर्य के साथ एकदम एकदम। आइए आइए, आ सकती है। अरे यार एक मिनट, बुध और केतु साथ में हैं तो इसमें बुध के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, केतु के साथ बैठा हुआ है ऐसा प्लैनेट है। स्किन प्रॉब्लम होता है ना, बुध केतु स्किन प्रॉब्लम देता है। आपको कोई नर्व का प्रॉब्लम है मैडम प्रियंका जी? नर्व का प्रॉब्लम अभी तक से ऐसा कुछ नहीं है। स्किन का? हाँ मेरे को वो है वेरिकोज की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो है ना वेरिकोज वेन? हाँ जी हाँ जी। आप वजन कमाइए, वजन घटाइए, नहीं तो नहीं होगा, वेरिकोज भी ठीक नहीं होगा। और वेरिकोज वेन अगर है वहां पर नसें दिख रही हैं तो गलती से उसके ऊपर कभी भी कोई मसाज नहीं कराना आपको, ठीक है? नहीं तो वो वहां से निकलेगा सीधा आके हार्ट के ऊपर, हार्ट के आर्टरी में जम जाएगा, हार्ट ब्लॉकेज। वेरिकोज वेन जो है वो पैर की नसों का एक पंप होता है, पैर में एक हार्ट होता है पिंगलियों में, वही ब्लॉक होता है और बिकॉज ऑफ ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इस वजह से वेरिकोज वेन भी ब्लॉक होता है। तो आपको इमीडिएटली 25 किलो घटाना है। हाँ जी, बहुत मेरे को अपने आई ओपनर बाद में ये होगी वजन घटाने वाली, मुझे वैसे लगता था बट ये तो मुझे घटाना ही पड़ेगा। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मेरा भी एक जॉब है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और मेरा एक पर्सनल मेरा इंटरेस्ट भी मेडिकल पामिस्ट्री और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा रिसर्च करता हूँ, बाकी तो चलता रहता है, उसमें ज्यादा करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लाइव पेशेंट मिल जाते हैं, सबका हाथ लाइव देखने को मिल जाता है और पता कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पेशेंट के सामने उसका सारा चिट्ठा रहता है, फाइल पड़ा हुआ रहता है, दिख जाता है अच्छा, ये इशू है, ये टेस्ट है, मतलब अरे कौन वैसे थोड़ी दिखाता है, वो तो कर लेना पड़ता ना मैडम वो कर लेना पड़ता है, वो कोई दिखाता नहीं है, वो बस मैं चलते चलते करता रहता हूँ। हाँ ये अपना डेटाबेस जो प्रैक्टिकल डेटाबेस ब्रेन के अंदर बन रहा है और आगे जिसके लिए मैं मतलब जिसको मैं हेल्प कर रहा हूँ उसका तो हेल्प हो ही रहा है और साथ में उसको जो मैंने सीखा अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये चीजें तो किताब में नहीं है लेकिन हाँ बहुत जल्दी मेरी भी बुक आने वाली है, देखते हैं कब तक आती है। नहीं बचना कुछ नहीं है मैडम, उसको समझना है, समझना है बुध केतु, हाँ केतु का धड़ नहीं गर्दन नहीं है, बुध इस चतुर, बुध को क्या मिलता है शरीर मिलता है बड़ा, केतु बहुत ताकतवर होता है, ठीक है, और केतु का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होता है लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होता, तो जब भी बुध के साथ ये कनेक्ट करता है ना तो ऐसे लोग ना अक्सर आउट ऑफ द फील्ड रहते हैं, आउट ऑफ द फील्ड मतलब दुनियादारी से थोड़ा अलग सोचने वाले, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है। अच्छा एक चीज बताइए, आप जहां पे पैदा हुई थी वहां क्या कोई उसके उसके आसपास कोई मंदिर या चर्च था क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। पता करना अपनी मम्मी से, वो मंदिर या चर्च तो नहीं था बट वहां पे हां पीछे जो धोबी होते हैं वैसा था और गार्डन छोटा सा ऐसा था और टी हाउस वाले की टी पॉइंट पे घर था हमारा फर्स्ट फ्लोर ऐसा कुछ, वो घर भी टी पॉइंट पे घर था तो जाता था। यस यस टी पॉइंट पे, ठीक है ठीक है। हर सालों से कोई रह नहीं रहा बट वो तक वहीं पे निकल भी नहीं, नो वन इज लिविंग देयर। अच्छा ठीक है ठीक है। बुध केतु सबको बताया था, बुध केतु जो है ना थोड़ा सा ये लोग अपने आपको देखिएगा बचपन में आपने क्या काफी बाकी एवरेज लोगों से थोड़ा लेट बोलना शुरू किया था, ये तो मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। हाँ इसका आइडिया नहीं है। बुध केतु ऑटिज्म भी देता है, ऑटिज्म भी आता है बच्चों में, मतलब उनको जो समझाना होता है वो समझा नहीं पाते हैं। और नेक्स्ट लेवल का सोचते हैं वो समझा इसलिए नहीं पाते कि जिसको वो समझा रहे होते हैं वो उनकी कोई धारणा ही नहीं होती कि इतना छोटा बच्चा वो सोच सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आउट ऑफ द बॉक्स। दादा रहे मेरा, हाँ
मैच्योरिटी लेवल थोड़ा ज्यादा रहा, बिकॉज सीरियस टाइप नहीं था, शनि भी लग्न में है जुपिटर के साथ, जैसे टीचिंग प्रोफेशन रहा है मेरा। पर हम सीखेंगे तो सबसे पहले हमारे टेवे ही देख लेना भी, हम सीख के कुछ करेंगे भी के नहीं। मेरा भी बुद्ध केतु कट्ठा है सर लगन में, बुद्ध केतु कट्ठा लगन में। अच्छा हाँ, और मंदिर की घंटी आपके घर के आसपास मंदिर की घंटी सुनाई देती है? हाँ नहीं, अब तो नहीं देती, जहाँ मैं पैदा हुई थी वहां देती थी। मुझे अब सुनाई देती है, घंटी घर में छोटी वाली घंटी लेकर बजा सकती है, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। सर मेरा देखो सूर्य सेकंड हाउस में है, गुरु आठवें घर में बैठ के उसको देख भी रहा है, वास्तु भी सीखा, एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, और पैसे भी से नहीं कमा पा रही, पता नहीं चक्कर क्या है। देखो आप सभी को ये राय है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं इनसे, मतलब इस फील्ड से आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो सेल्फ ब्रांडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेल्फ ब्रांडिंग क्या चीज होती है आज के डेट में? सोशल मीडिया है, आपको चीख चीख के बताना है, भाई मैं ये जानता हूं, मुझे ये आता है, आओ मेरे पास मार्केटिंग करो अपना, नहीं तो नहीं आएगा कोई। सही बात है, आप घर में ही बैठे रहोगे, कोई नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग जो भी अकल्ट में है, प्लीज अपना अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, प्लीज अपना अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम खोलिए, और रोज कुछ ना कुछ उसमें छोटा छोटा एक वीडियो बनाना चालू कीजिए, काम आएगा भाई। इतने लोगों की दुकान चल रही है, आपकी भी चलेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना भाई, हम तो टॉप पे आ गए 143 करोड़। और हमारे देश में ही हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास ही सब में है। ठीक है, तो आप किसी अच्छे दिन देखकर अपना एक जो आपका जीमेल है वहीं से आप यूट्यूब को ऑन कीजिए और अपना फोन पे वीडियो बनाइए और उसको अपलोड कीजिए। थोड़ा सा गेटअप अच्छा रखना, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, अगर गेटअप ऐसे ही कर लोगे ना तो फिर लोग वैल्यू नहीं देंगे, है ना। तो गेटअप जो है ना थोड़ा सा लगना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि देखिए एक उम्र के बाद ना आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। एस्ट्रोलॉजर्स और वकील, ये दो ऐसा पॉइंट है, मतलब ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ सफेद बालों का पैसा मिलता है, और किसी प्रोफेशन में ये इतना पैसा नहीं मिलता जितना वकालत और एस्ट्रोलॉजी में मिलता है, अगर बाल सफेद है तो। ठीक है, अनिल वत्स का नाम भी सुना होगा आपने, आपने हमारे, हाँ, तो उन लोगों की फीस कितनी है? 15,000 रुपए 11,000 रुपए फीस लेते हो, क्या है, बाल सफेद है, बात तो वही करेंगे, जो हमें आता है आपको भी आता है, बात वही करेंगे। सर आप तो उनसे बहुत अच्छा बताते हो, कहना नहीं चाहिए मीडिया पे, वो कुछ नहीं बताते बताते। सर हमें कोई रेमेडी वगैरह अच्छी सी बता दो ना, कोई चीज भी थोड़ा सा हम उससे भी सपोर्ट ले सके। आप लोगों के लिए सब एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में है, उनके लिए एक बहुत कॉमन रेमेडी और बहुत इफेक्टिव रेमेडी, सब लोग लिख सकते हैं या सुन भी सकते हैं। आपको सुबह सबसे पहले उठना है, उठने के बाद आपको करना यह है कि सबसे पहले दोनों हथेली को देखते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण जो बोलना है बोलो। वैसे इसका एक मंत्र है, मंत्र है कर अग्रे वसति लक्ष्मी, हाँ, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थिते तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये इसका मंत्र है, ये बोलती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जमीन पर पैर रखते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और धन्यवाद करें कि हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाए हुए। और घर से अगर आपको उत्तर या पूर्व की दिशा दिखती हो तो उधर फेस करके प्रणाम करते हुए ईश्वर को और प्रकृति को धन्यवाद करें। ये एकदम बेसिक है, शुरू करना है ऐसे दिन को।
या जो भी आपके इष्ट है या जो भी आपके दीक्षा गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उनका नाम भी आप ले सकते हैं। प्राणायाम हर एक एस्ट्रोलॉजर के लिए प्राणायाम करना अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम 20 एक नाक से, 20 दूसरे नाक से, वो 100 तक जाना चाहिए। प्राणायाम जितना करेंगे आपका इंट्यूशन उतना ज्यादा व्यापक होगा, फैलेगा। सर एक बार में एक ही तरफ से 20 बार करना है लगातार लेना और दूसरे नाक से छोड़ना? नहीं, एक ये वो अग्निसार बन जाता है। पहले राइट लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, इस तरह से दोनों साइड में 20-20 करना है। ओके सर, मिला के 20-20-40, ठीक है। और सर अगर बीपी हाई हो तो? बीपी बहुत हाई है तो हल्के लेना है, जोर नहीं देना, ठीक है, क्योंकि श्रीमान करते हैं ना, इनका बीपी हाई है। हाँ, तो हल्का करना है, बहुत तेजी से नहीं लेना है, एकदम स्लो, जितना संभव है बस उतना ही। बीपी वालों को तो अच्छे जितना करेंगे बीपी उतना नॉर्मल होता जाएगा। अच्छा, तो कम से कम कितनी बार करना है सर? वही 20-20-20 बोला। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, सर मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए सर, वो बिटिया के रिलेटेड पूछ रहे हैं। वो ना दामाद ने सल्फर का काम कर रखा है, मतलब पैसा लगा रखा है, तो सब कुछ हो जाता है, पेमेंट आने पे केस बिगड़ जाता है, मतलब नहीं आ पाता है पेमेंट, और पिछले साल 6 महीने से भी वो परेशान हो रहा है और बीमार रहने लग गया है, और करीबन उसका 1 करोड़ रुपया लग चुका है सर। अच्छा, 1 करोड़ लग चुका है, सल्फर का काम करता है। हाँ जी सर। सल्फर का मतलब दो भाई और हैं पार्टनरशिप में हैं, वो पता नहीं फंसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर पेमेंट आ जाती है और फिर नहीं आ पाती, ऐसे हो जाता है, अटक जाता है काम। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है। कोर्स मैं बता देता हूँ जी सर। तो कोर्स जो है ये उपायश्री नाम है, ज्योतिष उपायश्री, इसमें जो मेनली पढ़ाया जाएगा वो है, जैसे अभी आज मैंने 2-3 बिजनेस को ग्रोथ करने के बताए, उसमें और भी दो तीन उपाय आएंगे। फिर विवाह में कलह कैसे दूर करें वो रहेगा, विवाह होने में ऑब्स्टेकल है उसमें भी और भी ज्यादा रहे, उसमें और भी ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, जो कि आज मैंने 2 या 3 बताए, उसमें और भी 2-3 उपाय और उसमें बढ़ेगा। इंक्रीज इन वेल्थ, यानी आपका ओवरऑल जो संपत्ति है उसमें बढ़ाया कैसे जाए, उसको बहुत इसको कहते हैं फिक्स्ड वेल्थ, ठीक है सर। सर आपकी आज बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है तो? नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरा नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। जी सर। फिर चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर जिनको समस्या हो रही है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, उनके लिए, या बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, बहुत कमजोर हैं, उसके लिए भी है। डिजीज, बीमारियों का, कौन कौन सी बीमारी किस किस ग्रह से जुड़ी है और उसका क्या उपाय होगा, वो कॉमन फीवर के बारे में बताया जाएगा, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे हो, या कई बार लोगों को ना वो ऊपरी हवा की वजह से ही बुखार आ जाता है। जी सर, बहुत आ रहा है बुखार, बार-बार आ रहा है। हाँ, तो ये उसका भी उपाय टोटका बताया जाएगा। साइकिक प्रिवेंशन, साइकिक प्रिवेंशन मतलब कई लोगों के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका जी बता रही थी कि कहीं पे, प्रियंका जी नहीं, कौन बता रही थी कि नीम का पेड़ जल गया, ये जल गया, वो जल गया, मैं ही बता रही थी सर। हाँ, आप ही बता रही थी जी सर। उस वैसा इसको कहते हैं साइकिक,
साइकिक इफेक्ट, तो साइकिक इफेक्ट यानी ये जितने भी टोने टोटके करते हैं लोग, उससे कैसे बचाया जाए उसके बारे में रहेगा। जी सर, ठीक है ना, ये कोर्स का डिटेल है। 27 अगस्त से कोर्स चालू हो रहा है, शाम को शुक्रवार और संडे, फ्राइडे एंड संडे को 5:30 बजे से ये कोर्स रहेगा। ठीक है सर, क्या चार्जेस है सर? चार्जेस मैडम इसमें रहेंगे, इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 साल। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए चार्जेस रहेगा 3,100 रुपये माइनस 25% डिस्काउंट 3,000, टोटल जो फीस है वो 4,214 रुपये है, जिसमें 25% डिस्काउंट देकर 3,158 रुपये 3,158। सर वो तो मैं ज्वाइन कर लूंगी और आपको मंडे पेमेंट डाल दूंगी। हाँ जी, हाँ तो सर ये बता दीजिए उसको कुछ रिलीफ हो जाए, मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। आज मैंने उससे प्रॉमिस किया था, मैंने कहा सर की क्लास होगी और सर बहुत अच्छा बताते हैं, और वो डॉक्टर के गया दामाद, फीवर भी रह रहा है, उसका बताया ना भाई जो है उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं। वो अभी अभी जो फीवर भी रह रहा है ना, उसको सबसे पहले राम रक्षा कवच, सर वो राम नाम तो सोते सोते ही बोलता रहता है, इसीलिए बचा हुआ है, वो राम 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 बोलते ही रहता है। हाँ वही हमारा दिन रात राम राम में लगा रहता है, राम राम लगा रहता है। ठीक है, अब राम रक्षा कवच उसको ना YouTube से डाउनलोड करके सुनने के लिए बोलो। ठीक है सर, और ये सल्फर के काम के लिए क्या करें उसकी भी, उसको तू बोल तो दाल रोटी पैक करा ले। दाल रोटी पैक करा ले, ठीक है सर, सबके लिए पैक कर लो यार। ठीक है, तो आप जो है ना उनको मंगलवार और शनिवार को जो मैंने बोला हनुमान मंदिर जाकर वहां बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ चालू कर दे, बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, और मैं आप लोगों को वो जिस पेमेंट का डिटेल भेज देता हूँ, ग्रुप में ही रहेगा, पेमेंट का डिटेल आप लोगों को मिल सकता है। मैं एक मिनट रुक जाइए, मेरा सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, इस वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा है। सर पिछली बार मैंने अपने हाथ के बारे में पूछा था, नहीं तिल के बारे में आपने बताया था कि इसको चूना लगाना है देसी घी के साथ। हाँ तो जो है इनको भी आज मैं आपको याद कर रही थी, मैंने कहा आज उन्हें सर की क्लास लगता है, मैं उस दिन सही ढंग से नहीं पूछ पाई, इनके ये तिल आने लग गए हैं लग रहा है हाथ पे। कहाँ पर? हाथ पे सर ये। अरे रे 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 रे, उसको रिमूव कराओ, रिमूव कराओ भाई, रिमूव कराओ। सूर्य के पर्वत के आसपास भी तिल बने ना, ये अपयश को दिखाता है, बेचारे वैसे टेंशन में रहते हैं बहुत ज्यादा सर। अरे भाई उनको रिमूव कराइए आप। अच्छा आप कहाँ रहते हैं अभी? सर खेड़ा डाबर नजफगढ़। नजफगढ़, वहाँ कोई होम्योपैथी वाले हैं क्या? सर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो है, होम्योपैथिक वाले भी हैं, मिल जाएं उनसे एक बार बात करो इसको रिमूव करवाने के लिए। सर वो उससे नहीं होगा जो आप बता रहे थे चूना और घी लगाने से। अब वो भी होता है, उससे भी होता है, लगा के देख लो, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं होता तो फिर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चूना कैसे, घी में कैसे चूना लगाना, मिक्स करना? हेलो, पहले चूना लगाना, पहले चूना चूना लगाइए, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो स्किन फट जाता है, मतलब चूना लगाने से वहां थोड़ा स्किन का लेयर हट जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, वो डेड सेल होता है, तो जैसे ही वहां पे घी पड़ना चालू होगा ना, तो डेड सेल जो है फिर एक्टिव हो जाएगा, तो वो मेलानिन वहां से खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। सर मेरे बेटे के भी ना ये जहाँ पे वो होती है ना पार्ट्स सी, वो हो रही है उस पे कर सकते हैं? ये जो है ये सारी बातें मेरे बताए थे ना कि मेरे ऊपर ही उंगली उठती है। हाँ जी सर, आपको मेरी बात आ रही है? आ रही आ रही है। सर मेरे बेटे के ना हाथ पे ऐसे बाटसा हो रहा है, यहाँ पे तिल, हाँ तिल नहीं है सर, जैसे भोरी सी नहीं हो जाती पैर में। ओह नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, उसका लीवर चेक कराओ, लीवर लीवर चेक कराएं। तली तुली खाना, तला हुआ खाना ज्यादा खाता है क्या? गरिष्ठ भोजन मसालेदार तला हुआ? नहीं नहीं खाता, बाहर का नहीं खाता वो, बाहर का नहीं खा रहा है। ठीक है ठीक है, तो ना वैसे सिर्फ देसी घी लगाओ उसमें, वो ठीक है। देसी घी, चूना भी लगाऊं? नहीं चूना नहीं लगाना, चूना चूना देसी घी तिल हटाने के लिए।
ओनली देसी घी लगाओ ओनली। अच्छा जी सर, पर उसके पैर में भी ये बहुत हो रही है, दो तीन पैर में यहाँ पे भी हो रही है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा करके सब जगह देसी घी रात को सोने से पहले लगाया करो। अच्छा जी, वो रिमूव हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरे हाथ में भी तिल है एक, कहाँ पर है सर? यहाँ पे शुक्र के पर्वत में, नहीं वो मंगल आ रहा है। ठीक है वो, ठीक है उसमें कोई टेंशन नहीं है। शुक्र में जाना तो गड़बड़ होता, शुक्र में नहीं गया। ठीक है, आप ना बस थोड़ा सा ना गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना तो थोड़ा संभल के चला कीजिए, टू व्हीलर वगैरह, वो चोट लगने का रहता है। ठीक है सर, ये शुक्र के पर्वत पे भोरी सी बांध देते, उससे भी शुक्र इफेक्टिव होगा। हाँ अगर भूरा 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 जो स्पॉट बन रहा है ना उसके शुक्र के पर्वत में है, और बाकी आप दूसरे जगहों पे बता रहे तो ये कहीं ना कहीं लीवर से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। ठीक है सर, इसलिए मैंने लीवर को एक बार चेक करने, लीवर का लिपिड प्रोफाइल होता है, लिपिड प्रोफाइल में लीवर के तीन चार चीजों को ब्लड से टेस्ट करते हैं, वो एक बार करवा के देख लेना। मैं उसी डिपार्टमेंट में कर दूंगी उसमें। बस बस बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मेरे बेटे के ना हाथ में बाय बर्थ तिल है, तो उसको रिमूव करे या रहने दे? कहाँ पर है? बाय बर्थ, वो जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं ना तो मुट्ठी के बाहर आता है। अच्छा हम्म, मुट्ठी के बाहर आता है। ठीक है, बाहर आता है मतलब किस जगह पे पर्वत, जरा मुझे अपने हाथ से शो करके दिखाइए। सर अभी तो वो बाहर गया हुआ है, नहीं तो हाथ बता देती, मुझे भी इतना आइडिया नहीं, बस इतना याद है कि हथेली पे तिल है। हथेली पे तिल है, नहीं हथेली पे कौन से पर्वत पे वो देखना जरूरी है ना, तभी हाँ, पता चल पाएगा। नहीं तो जैसे बाय बर्थ रहता है, पैदाइशी है, तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा क्या या फिर अच्छा रहेगा? नहीं बाय बर्थ अगर रहता है वो देखना पड़ेगा ना मैडम कौन से पर्वत में है, मैं ऐसे तो इस तरह से नहीं बता पाऊंगा बिना देखे। सर हाँ जी, एक एमडी आपको बतानी पड़ेगी सर, जब बाद में बता देना, जो आजकल पंजाब में बच्चे नशे बहुत खा रहे हैं उनके लिए कोई बनाओ सर। नशे? हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, हमारे पास जो आजकल जो गोलियां सी बांट रही है सरकार ने, ओट्स का डिपार्टमेंट शुरू किया, छोटे छोटे बच्चे भी गोलियां लेते हैं वो नशे की, उनके लिए कोई रेमेडी है क्या? मैडम मेरे पास तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो नशे के लिए एडिक्शन के लिए बना है। अच्छा तो उसको मैं पर्सनली बात करूंगा, इस तरह से वेबिनार में बात करना सही नहीं है। ठीक है सर, आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आ जाइए, बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे जो जो इंटरेस्टेड है आप लोग प्लीज एकेडमी से ज्वाइन कर लीजिए और इस कोर्स को करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, स्पेशली जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।